Uh, good sessions around uh, the complete one month and we talked about education 4.0 last time so uh, let me share my screen first fine is it, is it visible now yes sir yes fine so uh, very good morning to all of you uh, it's a pleasure always talking to teachers because that is one of my hobbies these days and a mission wherein I really feel like uh, I want to talk to all the teachers who really want to grow into their career, who really want to know what all things are, you know, into you know for their updation. Your qualification, you are if you are an MTech, MSC, MA, MCOM, PhD, whatever. But that will never suffice to be a good faculty, a good teacher, because that is the minimum coalition by which you got selected. The moment you want to be a better faculty, you should know one, two, three, four, five, six, all those things which are for teachers. And if those things are, you know, you are ignored about, you are unaware about, then you will never be a good teacher. And please take a chance that, yes, commit yourself that you want to be a best teacher of your institution, of your university, of your, you know, region, of your college. If you try to do this, then the point I want to put across is you should have something additional. You should have something additional. You should know NBA norms. You should know NEP. You should know education 4.0. You should know NAC norms. Okay, Hindi. Okay, fine. I think somebody has suggested that I should talk in Hindi. Uh, fine. So, <clears throat> बेस्ट टीचर बनना है देखो सबको लाइफ में जो भी आप प्रोफेशन में हो उसमें आपको बेस्ट बनना है और बेस्ट बनने के लिए हमको जो मात्र एम डिग्री एम डिग्री पी डिग्री पाँच साल एक्सपीरियंस टीचिंग का ये सब एक तरफ है और जहाँ से एजुकेशन जा रहा है जिस कंपनी के लिए जिस इंडस्ट्री के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं चाहे वो कोई भी डिग्री लेके पास हो रहा है उसको मल्टी बनाना है उसको इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच सिखाना है उसको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है उसको सेल्फ लर्नर बनाना है उसको करंट ट्रेंड्स के हिसाब से पढ़ाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज उसको आउटकम बेस्ड देना है उसका आउटपुट नहीं निकालना है मैंने पांच चैप्टर पढ़ाया आपने पांच चैप्टर पढ़ लिए उस पर रिजल्ट लग गया तो ये क्या हो गया इनपुट पांच चैप्टर इनपुट पांच सब्जेक्ट आउटपुट में उनको दस पॉइंटर आ गया ये हो गया आउटपुट

वो डिग्री फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्यों ना आ जाए वो वेस्टेज है किसी कंपनी को नहीं चाहिए कोई ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो वेल ग्रूम नहीं है फर्स्ट थिंग नाउ अब क्वालिटी वेरी वर्ड इज दो इंपॉर्टेंट वर्ड पे हम बात करेंगे आज क्योंकि नैक इन्हीं दो बातों पे पूरा नैक सिस्टम जो है वो पूरा इन्हीं दो इंपॉर्टेंट थिंग पे है एक है कि एजुकेशन हैज बी आउटकम बेस्ड और दूसरा है क्वालिटी टीचिंग में क्वालिटी लर्निंग में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वालिटी लॉजिस्टिक्स में क्वालिटी कॉन्सेप्ट में क्वालिटी ब्लूम्स ट्रॉनॉमी राइट काइंड ऑफ मेथड, पेडागोजी में क्वालिटी लेबोरेटरी इक्विपमेंट में क्वालिटी लेबोरेटरी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस में क्वालिटी इशू रजिस्टर्स ये वो एग्जाम असेसमेंट पैटर्न उसमें क्वालिटी क्वालिटी इज अ बज और क्वालिटी कैन बी वन और हंड्रेड आई हैव विजिटेड थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड आई हैव सीन क्वालिटी इज सो बैड पर वो भी कॉलेज चल रहे हैं वहाँ से भी बच्चे पास हो रहे हैं वहाँ के भी टीचर को पूरी सैलरी मिल रही वहाँ के बच्चे पास भी हो रहे पास हो के कुछ को नौकरी लगती कोई अपना खेती बाड़ी कर रहा है कुछ भी हो रहा है किसको परवाए बट क्वालिटी इंश्योर्ड नहीं है और वही कॉलेज कुछ ऐसे है जो ठीक ठाक डिग्री भी नहीं दे पा रहे पर बच्चों में क्वालिटी है तो दो चीज़ मेरे को देखना है आउटकम बेस बच्चे का आउटकम मतलब क्या है आउटकम आउटपुट तो मैंने बता दिया आउटकम क्या है तो दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं सिस्टम में हूं इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं ये वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कुछ भी कर रहा हूं तो मुझे ये चाहिए कि इट शुड बी आउटकम बेस इट्स नॉट दैट वॉट वी टीच इट्स वॉट स्टूडेंट लर्न इट्स वॉट स्टूडेंट लर्न मैंने कितना भी पढ़ा दिया उससे कोई फर्क ही नहीं है क्योंकि असेसमेंट जो हो रही है इंडस्ट्री को फायदा जो होने वाला है बच्चे का कैलिबर जो फाइनल होने वाला है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी उसकी एंटरप्राइजिंग स्किल्स उसकी कम्युनिकेशन स्किल ये सारा बच्चों में दिखेगा तब फायदा है सो इट्स नॉट वॉट वी टीच इट्स वॉट स्टूडेंट्स लर्न एंड दिस इज नोन एज आउटकम बच्चे को पास आउट हुए बराबर नौकरी लगनी चाहिए बच्चे को पास आउट हुए बराबर उसको अगला पोस्ट ग्रेजुएट का डेस्टिनेशन क्लियर चाहिए दिमाग में कि एमएससी यहां करना है दिल्ली में करना है आईआईटी में करना है वीएनआईटी में एमएससी करना है क्लैरिटी होना चाहिए उसके ऑप्शन मालूम होना चाहिए उसका उसकी एग्जाम उसके यू नो पैटर्न एग्जाम पैटर्न उसके कट ऑफ्स सब कुछ मालूम होना चाहिए तो वो आउटकम है उसको एंटरप्राइज निकालना था उसको कंपनी स्टार्ट करना था उसको स्टार्टअप के नॉम्स मालूम होना चाहिए उसके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए प्रोडक्ट पेटेंटेबल होना चाहिए उसके कॉपी बने हुए होना चाहिए अब ये हम कौन से क्लास में पढ़ाते सोचो आउटकम आना चाहिए इसकी गारंटी कौन से क्लासरूम में होती कौन से लेबोरेटरी में होती नहीं हो रही और तो नहीं हो रही तो फिर आउटकम बेस आएगा नहीं पॉइंट इज आउटकम बेस अगर करना है तो प्री प्लान करना पड़ता है आउटकम बेस एजुकेशन इज एन एजुकेशन अप्रोच दैट फोकस ऑन ग्रेजुएट एट्रीब्यूट वॉशिंगटन अकॉर्ड ने ग्रेजुएट एट्रीब्यूट की एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें बच्चे को एनवायरमेंट का पूरा सेंस होना चाहिए अब आपको एनवायरमेंट में तीन साल के इसमें एक ही सब्जेक्ट है इफ यू आर एन आर्ट इफ़ यू आर कॉमर्स इफ यू आर समी देन यू हैव हार्डली वन सब्जेक्ट अब वो एक सब्जेक्ट में उसको एनवायरमेंटल मिलने वाला है कि नहीं मालूम नहीं एनवायरमेंटल नॉलेज उसका अवेयरनेस उसका इम्पैक्ट ऑन इंजीनियरिंग उसका इंपैक्ट ऑन साइंस साइंस का इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट ये सब उसको समझने वाला है कि नहीं आई डोंट नो ही शुड हैव मैनेजरल स्किल्स ही शुड हैव टीम बिल्डिंग ही शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर ही शुड बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर अब ये कौन से क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं और अगर नहीं पढ़ा रहे तो नैक आके इसी को एसेस करने वाला है नैक पीयर टीम कम्स एंड एसेस ज दंडामेंटल चेंज हो गया मैं तो कई साल से नैक देख रहा हूँ अभी नैक इतना बदल गया पिछले पांच छह साल में यह हो गया नैक का सेवेंटी परसेंट अगर आपको हजार नंबर ले का नैक है थाउजेंड नंबर का नैक है एक हजार में से आपको कितना स्कोर मिलने वाला है फिर चार में से कितना वो डिफरेंट स्टोरी है एक हजार में से मेरे को कितने नंबर आने वाले है उसमें से मेरे को एक एक पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करके ये समझना है कि उसको मेरे को आज कितने नंबर मिल सकते इसको बोलते सेल्फ असेसमेंट बोलेंगे टीचिंग लर्निंग बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिसर्च इनोवेशन पेटेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट वॉट जितने उनके क्राइटेरिया है टेन क्राइटेरिया है देर आर टेन क्राइटेरिया एंड ऑल टेन क्राइटेरिया है सम स्पेसिफिक मार्क्स एंड यू शूड फोर एटी नाइनटी परसेंट इन टू एट यू डू सेल्फ असेसमेंट एंड दे विल ओनली वेरीफाई यूर सेल्फ असेसमेंट वेदर इट इज जेन्युन वेदर इट इज ट्रू वेदर इट इज वेल सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स देन यू मे गेट जो सत्तर परसेंट है हजार में से सात सौ मार्क आपको पहले ही मिल जा रहे जब कमिटी ने आपका कॉलेज का दर्शन भी नहीं किया है कमिटी एज नॉट सीनियर कॉलेज बट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कमिटी का असेसमेंट हो रहा है डीवीवी हो रहा है डेटा वेरिफिकेशन हो रहा है आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड जो है वो किसी एजेंसी को दी जाते प्राइवेट एजेंसी को कंप्यूटर एडेड एजेंसी को देखे उसमें डेटा वेरिफिकेशन होता है डेटा वेरिफिकेशन करते हैं उनको अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो वो क्वेश्चन मार्क डालते डीवी वी जैसे कि सॉरी यू हैव अटैच ओनली टेन सो वी विल डिडक्ट यूर मार्क्स दिस इज द प्रोसेस अब ये प्रोसेस में मेरे को दो चीज इंपॉर्टेंट है मेरे को एक तो सबसे ज्यादा क्वालिटी होना जरूरी है और क्वालिटी के सारे प्रूफ्स होना जरूरी है प्रूफ होना चाहिए कंप्लीट एकेडमिक प्रोग्राम में पिछले पाँच साल में मैंने क्या किया है ये मेरे को मालूम होना चाहिए अब ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल एक ऐसी मैंने फिगर देखा था देखो ये इसको फर्क है इनपुट क्या था छोटा सा सैपलिंग था बीज डाले थे जमीन में छोटा सा पूरा का पूरा सैपलिंग लगाया था ये जो ये पहला वाला इनपुट में क्या है सैपलिंग चार पांच पन्ने लगे आम का लगा दिया ये मैंने इनपुट डालने के बाद आउटपुट देखो कितना बढ़िया ट्री बन गया हिरवगार झाड़े झाड़ है पूर्ण क्या फायदा झाड़ आम का है ना आम के झाड़ को पत्ते लग गए छाया आ गई पचास फुट लंबा हो गया क्या करूं उसका वो आउटपुट है आपने झाड़ लगाया पानी डाला झाड़ बढ़ गया बहुत बड़ा हो गया छाव मिल रही और क्या जो भी दिखने में देखो ये ये दिख रहा है ये क्या ये आउटपुट है और आउटकम है ये छोटा रहे बड़ा रहे मतलब है फ्रूट से मतलब पत्ते से नहीं होता पत्ते वाला भी नीम का झाड़ लगाएंगे नीम का लगाएंगे पीपल का लगाएंगे जिसमें हमको कोई फ्रूट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है और यहाँ बच्चा है मेरा बच्चे को फ्रूट्स मिलना चाहिए जो मेरा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में मेरे को फ्रूट्स क्या है उसको नौकरी लगनी चाहिए उसको बिजनेस शुरू होना चाहिए उसको पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन सही जगह मिलनी चाहिए उसके पोस्ट ग्रेजुएट के उसको पीएडी की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पीएडी का उसको असली रिसर्च करने मिलना चाहिए उसको वैसा एमबीएस देना चाहिए वैसा कल्चर डेवलप होना चाहिए वो नॉलेज देना चाहिए तब जाके फिर आउटकम तो कोई भी एन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रेडेशन जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ब्रांचेस को एक्रेडिट करता है या नया करता है दुनिया का कोई भी असेसमेंट सिस्टम जो होता है वो आउटकम दिखता है आउटपुट नहीं आपने बोल दिया मैंने सब पूरे क्लास ले लिए इनपुट हो गया प्रैक्टिकल लिया थियोरी लिया छह सब्जेक्ट लिए वेरी गुड एक्स्ट्रा क्लासेस लिए सब ने दस दस वेरी गुड इसको है इनपुट इसको एक भी मार्क नहीं है ये इनपुट बताया ना आपने पूरा साल भर क्लासेस लिए साल भर एक्स्ट्रा क्लास लिए और क्या क्लास टेस्ट ली और सेशनल लिया क्या लिया साल भर आपने जो भी किया है। वो है इनपुट अच्छी बात है इनपुट करना ही टीचर इज फॉर इनपुट पर उस पर दो मार्क भी नहीं मिलने वाले अब चेक मार्क मिलना है कि आपको आपने कितना अच्छा पढ़ाया कितने क्लासेस लिए इसके नंबर अगर आपको चाहिए तो वो बच्चों से ऐसे सोगा तो मतलब मेरे को ये नहीं होना मेरे को फ्रूट्स दिखाना है आपने नहीं पढ़ाया होगा पर आपका बच्चे से मिलने के बाद पता चल रहा एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ही इज ऑलरेडी प्लेस्ड इनटू टू गुड कंपनीज फिर आपने क्लासेस में कितना पढ़ाया ये दिख रहा है हम क्योंकि बच्चे को तो नौकरी लग गई

पचासों क्लासेस लिए हमने हर ब्रांच में हर क्लास में हर ब्रांच में इतने क्लास लिए और उसमें सबके रिजल्ट लगा दो इनपुट पढ़ाया आउटपुट रिजल्ट अच्छा आ गया मेल कर दिया नेशनल बोर्ड ऑफ एग्र ने हमको एग्रेडेट कर डाला था तीन साल का मिल गया मेरे को छ ब्रांच में वो जमाना गया क्योंकि तब आउटपुट कैसा भी रहे नौकरी लग जाती थी आउटपुट कुछ भी रहे कोई ना कोई जॉब में बच्चा लग जाता था अगर उसका इंग्लिश पुअर है सीख जाता था अभी वो नहीं है इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन डियर टीचर्स एंड दैट्स दैट्स वी आर पुटिंग इन इनपुट वी हैव हैव टू टू वी गेज आउटकम ऑफ दैट सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा हूं तभी मेरे को मालूम होना चाहिए तभी मेरे को मालूम होना चाहिए कि मेरा आउटकम क्या आने वाला है और उस आउटकम को सामने रखते हुए उसको बोलते प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम आउटकम कोर्स आउटकम ये तब बोलते हैं आउटकम पहले देखने का और उसके हिसाब से पढ़ाना इसको बोलते हैं ट्रू टीचिंग लर्निंग मैंने ये तय कर रखने को ना कि मेरे सारे बच्चे साठ में से साठ बच्चों को नौकरी लगने वाली है कौन सी लगने वाली है ये वाली लगने वाली है ये लगने के लिए क्या एंट्रेंस में कौन से सब्जेक्ट आने वाले ये लगने वाले ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाए नहीं पढ़ाए पढ़ा तो उसको एक्स्ट्रा कोचिंग देना पड़ेगा उनको यूट्यूब वीडियोस भेजना पड़ेगा ताकि उसमें वो कॉम्पिटेंट बने ताकि मेरा डिग्री खत्म करते करते मेरा टीचिंग खत्म होते होते उसका लर्निंग खत्म होते होते उसको नौकरी लग जाए उसको प्लेसमेंट हो जाए उसको बिजनेस मिल जाए उसका स्टार्टअप चालू हो जाए उसको पार्टनरशिप में पार्टनर मिल जाए उसका नॉलेज बेस कुछ डेवलपमेंट करना है रिसर्च करना है पीएडी करना है साइंटिस्ट बनना है ये उसकी तैयारी अगर आपका कोर्स करके नहीं दे रहा तीन साल में तो यू आर हियर आउटपुट रिजल्ट आ गया यूनिवर्सिटी लगा दी दस पॉइंटर पर आउटकम नहीं है वो बच्चा चपरासी बनेगा एम टेक एम करने के बाद भी क्योंकि वो काम का ही नहीं है सो so, फोकस अभी क्या हो रहा है इंपॉर्टेंट क्या है सब एवरीबडी इन दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट टीचर्स मैनेजमेंट एंड नॉट ओनली देम कॉलेज सिर्फ टीचर मैनेजमेंट और स्टूडेंट से नहीं बनता कभी नहीं बनता टीचर तो है ही मैनेजमेंट है ही और स्टूडेंट है ये तीन से अगर कॉलेज बनता था ना तो दुनिया का हर कॉलेज अच्छा ही होता था क्योंकि बच्चे ने फी भरा है काम कर रहा है मैनेजमेंट ने खुद का पैसा डाला है काम कर रहा है और टीचर को पगार मिल रही काम कर रहा है इससे कॉलेज अच्छा नहीं होता कॉलेज ही नहीं है वो उसकी जो बाकी स्टेक होल्डर्स है इंडस्ट्री खुश है क्या सोसाइटी खुश है क्या पेरेंट्स खुश है क्या ये जो ऑल अदर स्टेक होल्डर जब तक उसमें खुश नहीं है जब तक उनका पॉजिटिव फीडबैक नहीं है अनलेस एंड अनटिल दे आर हैप्पी दे गिव राइट फीडबैक दे आर सेज ए गुड इंस्टीट्यूट दीज थ्री इम्पोर्टेंट पिलर्स विल नॉट बी ऑफ एनी यूज क्योंकि आपने काम ही नहीं किया आपने वो काम नहीं किया काम तो बहुत हमारी किया बहुत रोज पाँच पाँच क्लासेस लिया वो क्लास का फायदा नहीं हुआ ना वो क्लास से बच्चे को नौकरी नहीं लगी ना वो क्लास से बच्चे को धंधा नहीं मिला वो क्लास से बच्चे को मेरिट नहीं आया वो नहीं हुआ ना फायदा सो so, फोकस क्या है फोकस इंस्टीट्यूट टीचर्स मैनेजमेंट ये कंपलसरी हो गए एक का पैसा लगाए एक ने फी भरा है और एक को पगार मिल रही फाइन दीज थ्री पिलर्स आर डिफरेंट बट ऑल अदर स्टेक होल्डर प्योरली ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट की अगर बात कर रही <coughs> आप जिस भी गांव में है खेड़े में है आपके जो टाइप्स हैं जो जो कंपनी आपके यहाँ आप प्लेसमेंट में आ रही जो कंपनी के साथ अपने बच्चे जाने वाले क्या वो कंपनी वाला आपके सिलेबस में भागीदार है क्या क्या वो कंपनी वाले को आप साल में दस बार बुला के समझ लेते क्या कि यार तुमको कैसे बच्चे चाहिए उनके साथ मीटिंग हुई क्या क्या वो जो पेरेंट है उन्होंने जो बड़ा लोन लेके अगर मुश्किल से खेतीबाड़ी छोड़ के बेच के अपने बच्चों को ये आपके कोर्स में डाला है तो उसको वो खुश है क्या उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल मिली क्या इसको बोलते ट्रू फीडबैक विच विल डिसाइड दी विच विल डिसाइड दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सो यू आर अनलेस यू आर नॉट एलिजिबल अनलेस एवरी एस्पेक्ट एवरी वन ऑफ अस आर फॉर ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट इंडस्ट्री को भी लगना चाहिए बच्चा पढ़े सारा आउटकम किसका देख रहे यार? टीचर का थोड़ी आउटकम देख रहे हैं टीचर ने रिसर्च करना चाहिए क्यों क्योंकि बच्चों को फायदा होगा टीचर ने इंडस्ट्री कनेक्शन बढ़ाना चाहिए क्यों क्योंकि बच्चों को इंडस्ट्री में जाने मिलेगा इंटर्नशिप मिलेंगी प्लेसमेंट मिलेंगी टीचर ने बहुत सारे पेटेंट बनाना चाहिए क्यों क्योंकि बच्चों को अंडर ग्रेजुएट में प्रोजेक्ट मिले और उसको नौकरी मिले टीचर को तो नौकरी मिल चुकी है ना आपने तो एमटेक टेक एमए एच सब कर चुके हैं ना तो आपके ग्रोथ की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे आपकी ग्रोथ का प्लान आपका खुद बनाइए आप आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है प्रोफेसर बनना है प्रिंसिपल डायरेक्टर वाइस चांसलर जो बनना है वो आपका पर्सनल एजेंडा है मेन एजेंडा क्या है मेन एजेंडा है बच्चों की ग्रोथ एंड दैट इज़ वेयर वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दैट यस ग्रोथ ऑफ इट प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट है नॉट इंडस्ट्री रेडी बच्चे बच्चे इंडस्ट्री में जब भी इंटरव्यू के जा रहे हैं बोले क्या फालतू बच्चे भेज दिए किस बात के एम ए हो किस बात के एम एस सी हो किस बात के डॉक्टरेट हो कुछ तो नहीं आता आउटडेटेड नॉलेज है तुम्हारा सॉफ्ट स्किल्स आर मिसिंग कपड़े ढंग से नहीं पहनता शर्ट इन करते नहीं आता हेयर ग्रूम नहीं है इंग्लिश में बात नहीं कर सकता कॉन्फिडेंस नहीं है टीम बिल्डिंग नहीं है मैनेजर स्किल्स नहीं है लीडरशिप स्किल्स नहीं है सॉफ्ट स्किल ही नहीं है जीरो एंटरप्रेनियर स्किल्स जमाना स्टार्टअप का है जमाना इन सबका है अब आपके पास जीरो एंटरप्रेन स्किल्स अगर है तो क्या फायदा यू कैनोट डू दिसंट इज आई कैन अटिल हिंदी ये प्लीज राइड यूर यू नो ओपिनियन ऑन दिस राइट आई आर राइट डाउन यूर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टू दिस एंड ब्रांच आई एम राइटिंग माई थिंग आई एम फिजिक्स प्रोफेसर लेट एस मेक इट इंटरटिव आपके साथ पिछली बार भी अपन ने बात की थी बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई थी मैं लिख रहा हूँ फिजिक्स और मेरा थर्टी वन ईयर्स एक्सपीरियंस है एक बार आप सभी ये लिख दीजिए तो सबको ये पता चल जाता कि क्या है है ना तो मैंने लिख दिया मेरा फिजिक्स है और थर्टी वन ईयर्स है एक्सपीरियंस फिजिक्स एज अ प्रोफेसर राइट आप भी अपना अपना सब्जेक्ट डाल दीजिए और नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डालिए तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपने आपने हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस नैक यू मे नॉट हैव नैक यू हैव यू वेर पार्ट ऑफ दैट बट आप इतना छोटा पार्ट थे कि आपकी कोई जवाबदारी नहीं आई डॉक्टर रूपा इज कॉमर्स नाइन ईयर्स ग्रेट थैंक यू अश्विनी ठाकरे मैडम थैंक यू आप अपना नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डालिए और आपका फील्ड डालिए प्लीज कम ऑन ऑल ऑफ यू आई कुड सी हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स ट्वेंटी सेवन पार्टिसिपेंट्स है इंग्लिश थ्री इयर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स बारह साल राहुल सर येस ग्रेट And uh, Sunil sir, chemistry, twelve years, great, great. So I I feel like if you are if you have spent uh, Marathi two years, Rakesh sir, two years, business economics twelve years, Rahul sir, Prashant sir, English three years, Ashwini madam, political science five years, great. So most of us are five to two ten below seven eight years experience. So we have a full chance to grow like anything. Uh, education thirteen years, Manisha madam, Doctor Lata Khapre madam, ten years in Marathi, great, great. कॉमर्स ग्यारह साल सुरेखा मैडम थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कीप पोस्टिंग समथिंग और जो मैं स्लाइड पे दिखा रहा हूँ ना इसमें भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है कोई सजेशन है कोई इंप्रूवमेंट है तो प्लीज बताइए आपसे मेरे को सीखना है मेरे को मेरे से आपको सीखना है इट्स एन इंटरैक्टिव स्पेस डिजिटल स्पेस थैंक गॉड एंड थैंक टू एच आर डी सी दैट दे आर स्टिल यूजिंग दिस मोड सब लोग डर गए थे अभी अभी ऑनलाइन बंद करो ऑनलाइन बंद करो सब ऑफलाइन आ जाओ पिछले डेढ़ साल पहले हो गया सब ऑनलाइन पर आप ऑनलाइन कर रहे हो क्योंकि मेरा तो बहुत क्लियर मतलब है मैंने कल ही गुरु नानक में एक लेक्चर लिया था गुरु नानक इंस्टीटॉट टेक्नलॉजी डेढ़ सौ लोग ऑनलाइन थे और ऑडिटोरियम जो हाँ हुआ था वहाँ सिर्फ सत्तर लोग बैठे थे तो सत्तर और डेढ़ सौ इतने हो गए दो सौ बीस लोग हो गए तो दो सौ बीस लोग अटेंड कर रहे थे ना बॉम्बे पुणे दिल्ली सब बच्चे सब टीचर्स अटेंड कर रहे थे वहाँ पे कल मेरा एन ई पी पे था तो वो मिक्स मोड है तो तो और अच्छा है क्योंकि साठ सत्तर लोगों से तो मेरा डायरेक्ट रूबरू हो रहा हूँ बात हो रही चाय पी रहे साथ में बात हो रही डिस्कस कर रहा कोलैबोरेशन की बातें निकली साथ में काम करने का निकला तो वो एक साठ सत्तर का हो गया लेकिन जो चंद्रपुर वर्धा गोंदिया पुणे बॉम्बे दिल्ली कोयम्बतूर जो ट्रैवल नहीं कर सकते थे वो लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर गए तो डेढ़ सौ वो ऑनलाइन पे थे और साठ सत्तर हम लोग थे तो दो सौ बीस लोग इसके अलावा क्या किया था यूट्यूब लाइव रख दिया उसी सेशन को यूट्यूब लाइव कर दिया था तो उनके यूट्यूब चैनल पर भी मेरा लेक्चर चालू है पीपल आर स्टिल वॉचिंग तो यूट्यूब पे भी कुछ डेढ़ सौ लोगों ने अलग से देख लिया तो कैसा हो गया प्लस प्लस चार सौ लोग अभी तक देख चुके और पता नहीं अगर लोगों को अच्छा लग गया तो हो सकता और दो चार हजार लोग देख ले उसको अगले आने वाले एक साल में ये इंपॉर्टेंस है तो पैंडेमिक गया पैंडेमिक खराब था वॉट लेकिन पैंडमिक ने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा दिया कि ऑनलाइन में भी होता है और मेरे को मैं सर बोल रहे थे वहां पे हमारे डायरेक्टर से वहां प्रिंसिपल थे वहां पे सब थे बोले सर ये कुछ नहीं लोगों ने फोन बंद करके रखा होगा मतलब बोलो वो उनका नसीब खराब है इफ दे आर नॉट लर्निंग अगर आप ऑनलाइन में मोबाइल बाजू में रख दिए और वो लॉग करके रख दिया तो नुकसान किसका है नुकसान ऑथर का नहीं है कॉलेज का नहीं है नैक ने स्पॉन्सर किया था उसका नहीं है किसी का ही नुकसान नहीं जो फ़ोन ऐसा बंद करेगा और रख के इधर दे देंगे परफेक्टली फाइन फॉर हिम मैंने थोड़ी ठेका लिया यार सबको पढ़ाने का मैंने पढ़ाने के लिए कोर्स करने का ठेका लिया है वो नौकरी है मेरी मैडम की प्रीति मैडम की भी नौकरी है कि भैया ये कोर्स कराना है शी इज डूइंग हर जॉब उन्होंने मेरे को इनवाइट कर लिया आई एम डूइंग माय जॉब जो सीख रहे वो अच्छी बात है जो नहीं सीख पा रहे जो अपडेट नहीं हो पा रहे जिनको अपनी सोच में बदलाव लाने का मन नहीं है जो वो सिंसियर नहीं होंगे तो वो अपना अपना देखें बात तो हुई नहीं ना पर ये मोड सक्सेसफुल है इसी बहाने इस मोड को जो खराब बोल रहे ना दैट इज रॉन्ग जो सिंसियर यार मैंने कितने कितने सेशनस कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मैं ऑनलाइन अटेंड कर रहा हूँ अभी कल मेरी दो जर्मन यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग हुई बहुत सक्सेसफुल हुई अब उसमें बोलूंगा यार क्या ऑनलाइन मोड है ऑनलाइन में आजकल मतलब नहीं अरे उनको गरज थी मेरे को गरज थी एक वर्ड एक सेकंड के लिए मैंने मुंडी इधर उधर नहीं किया हमने पूरा ढाई घंटा मीटिंग करी और ढाई घंटे में हमने कितनी सारी चीज़ें सोच ली छह यूनिवर्सिटी के लोग बैठे थे दो जर्मन यूनिवर्सिटीज थी सबके साथ इंटरेक्शन हुआ काम मिलने की मेरे को पूरे चांसेस है अगर आप सिंसियर हैं तो ऑनलाइन मोड एक्सलेंट है क्योंकि आप उसके अलावा उसके उसके पहले और उसके बाद में आप अपना पर्सनल काम बहुत इमीजिएटली कर सकते हो मैं कल गुरु नानक गया यहाँ से तो मेरे घर से इक्कीस किलोमीटर ट्वेंटी किलोमीटर कार से ड्राइव करना पड़ा पहले तो और जो पार्टिसिपेंट बेचारे आए थे उनको भी बीस चालीस पैंतीस किलोमीटर से लोग आए थे ऑनलाइन तो अच्छा ही है ना तो ऑनलाइन क्यों नहीं करना जो डेढ़ लोग बाहर गाव थे वो तो इंस्टेंट घर बैठे बैठे टेबल पे बैठे बैठे ऑफिस से ज्वाइन कर लिए और मैं जो ऑफलाइन था मेरे को 21 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करनी पड़ी वहां गया बाजू में बैठा गर्म था एसी था फिर वो चाय पिलाया उन्होंने मेरे को फिर अंदर गया फिर भीड़ थी मेरे चार घंटे खराब हो गए लेक्चर लिया मैंने डेढ़ घंटे का सो so ये पॉइंट है ना फोर आवर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो चीज़ ऑनलाइन में कभी डिमांड नहीं करती अभी मैंने ग्यारह को दो मिनट पहले लॉग इन किया है और डॉट सारे को मैं क्लोज कर दूंगा आप भी अपने काम में चले जाओगे मैं मेरे मीटिंग में चले जाऊंगा सो प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन इसको बहुत अच्छी से एक्सेप्ट करिए इसको सिर्फ लोगों को लगता है इंटरेक्टिव नहीं है तो इसमें चैट में इन्वॉल्व हो जाइए आपको जो जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ जो जो कुछ लग रहा है इसके बारे में बोलना है आपको स्टार्ट पुटिंग इन चैट एज इफ वी आर टॉकिंग एंड द वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस एवरीथिंग विल बी एब्सोलूटली इंटरेक्टिव अब बताओ प्रॉब्लम्स क्या -क्या? Right? क्या क्या है राइट प्रॉब्लम्स क्या क्या है अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में आज भी अस्सी प्रतिशत लोग एम्प्लॉयबल नहीं है तो किस बात की क्वालिटी एजुकेशन दे रहे किस बात का नैक आके ग्रेड देंगे किस बात की इंडस्... इंडस्ट्री इंडस्ट्री रेडी नहीं है बच्चे बच्चों को कुछ इंडस्ट्री को कुछ चाहिए अलग और बच्चे कुछ भलते ही पड़े हुए हैं उनको ये ए बी सी डी चाहिए अपन एक्स वाई जेड पढ़ा रहे नहीं चलेगा आउटडेटेड नॉलेज है बच्चों का पंद्रह साल से वही सिलेबस चालू अभी भी टेलीच पढ़ा रहे अभी भी सी आर कैसोड्रेटिव पढ़ा रहे अभी भी कौन से पुराने जमाने के एल सी डी टी पढ़ा रहे ये नहीं चलता ये गया सब खत्म है सी सी प्लस प्लस पढ़ा रहे अभी पाइथन का ज़माना आ गया चैट जीपीटी का जमाना आ गया ये ज़माने में कोई प्रोग्रामिंग लिखता है क्या गिट हब का ज़माना आ गया ज़माना बदल गया है अब इसमें अगर आपने प्रोग्रामिंग सिखा रहे उनको ले लेके पुराना चीज़ें सिखा रहे अल्गोरिजम सिखा रहे उनको ज़रूरत नहीं है so outdated knowledge soft skills are missing what are soft skills soft skills are communication skills leadership skills team building skills cognitive skills memorization relation building networking collaborations interpersonal skills confidence building fear of failure fear of missing out these are all all soft skills one has to learn अगर आपको मार्केट में रहना है अगर बच्चे को अच्छी नौकरी करना है तो ऑल दीज थिंग्स आर कंपल्सरी तो हम क्यों नहीं कर रहे वी हैव टू डू दिस वाई आर वी नॉट डूइंग दिस देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिसरस्टैंड जीरो एंटरप्रेन्योर स्किल्स आप आपके क्लास में भी आप जाएंगे कल अभी गो टू योर क्लास एंड यू विल बी अमेज टू आस्क मैं पूछ के आता हूं मेरे क्लासेस में हमेशा किसको किस अपना बिजनेस शुरू करना है कितने बच्चे चाहते हैं कि उनका खुद का स्टार्टअप हो जाए वो नौकरी नहीं करेंगे उनका एजुकेशन के बाद वो नौकरी नहीं करेंगे वो एजुकेशन के बाद नौकरी नहीं करेंगे वो लोग क्या करेंगे खुद का बिजनेस करेंगे बिजनेस में एम्प्लॉयज रखेंगे ही दे विल बिकम एन एम्प्लॉयर एंड नॉट एन एम्प्लॉय सो अनएम्प्लॉयमेंट नॉट इंडस्ट्री रेडी हाउड ये प्रॉब्लम है और इसके लिए नैक बना हुआ है क्यों असेसमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम है दीज आर दी प्रॉब्लम्स to which solution is not being found because the education which is imparted is not quality and as long as quality education is not given dear teachers please understand that it will never happen please understand this ab apne ko kya karna hai education फोर तो पॉइंट जैसा मैंने पिछली बार बोला था हमको एजुकेशन फोर्थ लेवल पे लेके जाना है अब ये लेके जाना है लेकिन उसकी गाइडलाइंस क्या है नैक है आपको अगर एजुकेशन में बदलाव लाना है ये इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आ गया है ए आए और ये सब सब पढ़ाना पड़ रहा है और हम अगर लेक्चर एंड मेमोराइजेशन में लगे इंटरनेट अनेबल्ड में लगे एजुकेशन शुड प्रोड्यूस नॉलेज ये बातें करते रहे तो समझ लो हमारा तो बच्चों का तो नुकसान तय है और ये बच्चों का नुकसान करने के लिए तो हम टीचर नहीं बने तो लेक्चर एंड मेमोराइजेशन इंटरनेट अनेबल्ड लर्निंग ये एजुकेशन के सब जो पॉइंट है पिछली बार हमने आई हैव डिस्कस दिस आई नो दिस स्लाइड अबॉज देयर इन टू दैट बट दिस इज टू बी टोल्ड अगेन एंड अगेन लेक्चर एंड मेमोराइजेशन से नहीं होने वाला है आपको बच्चों को इनोवेटर्स बनाना है बच्चों को सेल्फ लर्नर बनाना है लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है उनको यह समझाना है तो आउटकम बेस्ड बनाना पड़ेगा अब व्हाट इज आउटकम बेस एजुकेशन क्या है उसमें देखो उसमें यह आप पढ़िए लिखा हुआ है सामने एकेडमिक एक्सेलेंस एंड इन डेप्थ ग्रास ऑफ एटलीस्ट वन एरिया ऑफ स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल स्टडी इसको बोलते हैं एकेडमिक एक्सेलेंस एकेडमिक एक्सेलेंस है आपने पीएचडी किया ठीक है गुड एसोसिएट प्रोफेसर बन गए प्रोफेसर बन गए प्रिंसिपल बन गए फाइन और एकेडमिक एक्सेलेंस आया क्या एक्सेलेंस नहीं आया ना एक्सेलेंस तब होता है जब हर बच्चे को नौकरी लग रही आपके कॉलेज से निकलने के बाद हर बच्चा सोच रहा है अपना स्टार्टअप चालू करूँ उसकी आइडिया में दम है उसको गवर्नमेंट फंडिंग आ रही है उसको प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा दे रहे उसको लोग मान रहे हैं उसको बोल रहे हैं यार क्या बच्चा है किस स्कूल से पढ़ा है किस कॉलेज का बच्चा है अरे नहीं मैं ये स्कूल का हूं ये कॉलेज का हूं ये पूछ रहे क्या लोग अगर ये सब है तो इसको बोलते हैं एक्सलेंस दूसरा डिजायर्ड आउटकम क्या रहता है ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन देना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल ब्रेथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्यूरियोसिटी एंड ग्रास बेसिक वैल्यूज अक्रॉस डिसिप्लिन स्टेम में जाना पड़ेगा साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज सबका नॉलेज सबको होना चाहिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज नॉट की कैंप ओनली हिस्ट्री विल बी लर्न बाय बी ए स्टूडेंट नो हिस्ट्री शुड बी नोन टू साइंटिस्ट ऑल्सो इट इज नॉट ओनली एनवायरमेंटल इंपैक्ट शुड बी लर्न बाय बॉटनी जूलॉजी बायोटेक वालों ने नो एनवायरमेंटल इंपैक्ट शुड बी नोन टू एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ क्योंकि एनवायरमेंट के प्रति हम सबका सबका कुछ न कुछ दायित्व बनता है और उस दायित्व को निभाने के लिए वो सेंसिटाइज करने के लिए उसको इस एनवायरमेंट के प्रति प्रेम मोहब्बत और केयर समझने के लिए हमको एक सब्जेक्ट रख के पढ़ाना पड़ेगा ना उनको और वो एक सब्जेक्ट नहीं हमको बार बार हर बातों में हमारे एनवायरमेंट की बात लानी पड़ेगी तब जाके कुछ हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा है कॉम्पिटेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हाई एंड ट्रांसफरेबल कॉम्पिटेंस चाहिए मेरे को कुछ मैंने आपको एक सिखा दिया आपने तुरंत जाके वो सिखाना चाहिए आज आप मेरा नैक का लेक्चर सुन लीजिए सारी स्लाइड्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी ये लेक्चर सारे यूट्यूब पे आ जाते हैं तुरंत इसको और एक बार दो बार पढ़ लीजिए और तुरंत अपने कॉलेज में एग्जैक्ट इसकी कॉपी करके दे दीजिए तो क्या हो गया वो ट्रांसफर ऑफ कॉम्पिटेंसी हो गई क्योंकि मैंने बोल दिया लेकिन आपके कॉलेज से तो आप अकेले पार्टिसिपेंट हो आपके कॉलेज में जाके जो पचास टीचर है पच्चीस टीचर है उनके लिए आप यही लेक्चर एग्जैक्ट जाके दे दो मेरा पीपीटी कॉपी कर लेना क्योंकि ये यूट्यूब पे सारी स्लाइड्स है आप अपने हिसाब से बनाना ऑफकोर्स कॉपी मत करना पर आप अपने हिसाब से बनाइए और आपको बहुत मजा आएगा इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ कॉम्पिटेंसी आपने कुछ सुना है और वो आपके साथ होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक हम ये नहीं कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं। जो तरीके से मैं बता रहा हूं। जो पेडेगोजी है, है जो जो तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं आप कॉपी कर लीजिए अगर आपको वो अच्छी लग रही तो और एग्जैक्टली exactly वैसा बोलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ कॉम्पिटेंसी इसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिटिकल जो जो माइंड सेट के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ वही माइंड सेट के साथ आप अपने जाके अपने कॉलेज में जाके समझाइए दूसरा आता है लीडरशिप एंड टीम वर्क ये भी नैक बहुत बारीक बारीक देखता है नैक कमेटी आएंगी तो ये सारी चीजें पक्का कैपेसिटी फॉर लीडरशिप एंड टीम वर्क इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के तारीख में यू नो एजुकेशन इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एजुकेशन इज अवेलेबल ऑन एन पी सब में अवेलेबल है बात एजुकेशन है की है ही नहीं बात है बच्चों में मोटिवेशन ही खत्म है उनको कोई इंस्पिरेशन नहीं देखा उनको टीचर को देख के ऐसा एकदम जज्बा नहीं उठ रहा है ऐसी ताकत ऐसी हिम्मत ऐसी शिद्दत के तहत वो सोच नहीं रहा कि यार मेरे को भी करना है मेरे को सर से भी ज्यादा पढ़ना है ये मोटिवेशन हमने लाए क्या तो लीडरशिप और टीम बिल्डिंग टीम वर्क वो तब होता है जब आप उसमें बातों बातों में आप पढ़ा रहे केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे मराठी लेकिन एक बैकग्राउंड वो बन रहा है जिसमें आदमी मोटिवेट हो रहा है ये सब सीखना पड़ता है ये मेथोडोलॉजी ये टीचिंग मेथोडोलॉजी है ये मराठी सीखो तो, तो मराठी से सिलेबस माही था कहीं फायदा नहीं केमिस्ट्री पढ़ा के केमिस्ट्री मालूम है कोई फायदा नहीं है केमिस्ट्री तो आपको आना ही चाहिए था यार आप ऑलरेडी एमएससी पी हो नेट क्लियर हो सेट क्लियर हो तुमको केमिस्ट्री क्या पढ़ने की बड़ी बात है केमिस्ट्री तो तुम मास्टर हो लेकिन वो कैसे पढ़ाते हो पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को मोटिवेट करते कि नहीं मोटिवेट करके वो इंस्पायर हो रहे कि नहीं इंस्पायर होकर वो अपना कुछ नया सोच रहे कि नहीं वो इनोवेटर बनने के लिए तैयार हो गए कि नहीं उन्होंने कोई नया छोटा मोटा रिसर्च कर लिया कि नहीं बच्चों ने आपस में टीम बना के उसमें कुछ काम करना शुरू कर दिया कि नहीं ये वाला काम आपका इंपॉर्टेंट है और ये काम करना ही नैक एसिस करता है इंटरनेशनल आउटलुक एन इंटरनेशनल आउटलुक एंड एन अप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इज सो इम्पॉर्टेंट आपको मालूम है क्या कि आप ही का सब्जेक्ट लंडन में कैसे पढ़ा रहे डू यू नो द सेम सब्जेक्ट विच यू आर टीचिंग हाउ इट इज गेटिंग हाउ इट इज हाउ दैट नॉलेज इज बींग ट्रांसफर्ड इन टोक्यो यूनिवर्सिटी इन यू एस इन जर्मनी इन फ्रांस इन जापान इन सिंगापुर इन मलेशिया वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं इसी किसी तरीके से पढ़ा रहे कि नहीं इसको बोलते इंटरनेशनल आउटलुक आपको जो लग रहा है, आपके टीचर ने जो पढ़ा क्या वो फाइनल है क्या नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है फाइनल वो होता है जो इंटरनेशनली ग्लोबली एक्सेप्टेड है जो बच्चे को नौकरी अगर लंडन लग जाए तो उसका नॉलेज वहां भी ट्रू फाउंड शुड फाइंड इट ट्रू वो वहां जाके बोलेंगे क्या फालतू पढ़ाई की तुमने घर जाओ वापस जाओ दैट कैन ऑलवेज है इन विच फॉरन यूनिवर्सिटीज़ आर डूइंग दैट आपके सिलेबस पे नहीं होगा लेकिन आपके बातों बातों में बच्चों को वो समझाना समझाना जरूरी है कि आपको देखो लंडन में ये हो रहा है देखो एडिनबरा यूनिवर्सिटी के एक बार डाउनलोड तो करो सिलेबस बच्चों को इंटरनेशनलाइजेशन में लाना पड़ेगा उनको बोल जा सिंगापुर में यही सब्जेक्ट है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड ईयर के सिंगापुर के यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाल के ला उनके कॉन्टेंट बता वो कैसे पढ़ा रहे देखो उनकी लेबोरेटरीज की पिक्चर डाउनलोड करके ला आपको बच्चों को इंटरनेशनलाइजेशन के लिए तैयार करना पड़ेगा फिर बच्चे ने एक बार वो सिंगापुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे गया तो वो उसमें लग जाता है फिर उसको अपने आप नॉलेज गेन हो जाता है और वही मेरे को करना है मेरे को बच्चों को मोटिवेट और इंस्पायर करके सही जगह पे पहुंचाना है अगर वो सही जगह पहुंच गए फिर तो यू डोंट हैव एनी इश्यूज अबाउट दैट सो ट्राई डूइंग ऑल दिस थिंग्स इंटरनेशनल लुक अप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट विज़न एंड एन ओरिएंटेशन टू द फ्यूचर ये भी नैक देख रहा है एडोप्टिबिलिटी है कि नहीं फ्लेक्सिबिलिटी पैशन ऑफ लर्निंग आप में है कि नहीं और आप में जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं ये सब नैक में ऐसे होता है कोई ना कोई पॉइंट में और वो नहीं हो रहा है अगर मैं नहीं कर रहा हूँ ये तो वो पकड़ा भी जाता है अगर मेरे में वो पैशन नहीं है अगर मैं उतनी हिम्मत इतनी सिंसियरिटी और कमिटमेंट के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ तो वो पकड़ाता है अगर आप एडोप्टेबल नहीं है आप फ्लेक्सिबल नहीं है आज बच्चों ने बोल दिया सर कल वाला चैप्टर फिर से पढ़ाई है तो आपने पढ़ाना चाहिए अगर बच्चों ने बोल दिया सर ये वाला मत पढ़ाओ ये बहुत ये बहुत ईजी है हम आगे देख लेंगे आप हमको सिर्फ इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन रखो करना पड़ेगा देखो बदलना पड़ेगा बदला भी जिंदगी है चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड प्लीज़ अंडरस्टैंड बदलना पड़ेगा अरे ऐसा होता है कि बच्चा बताएगा क्या मेरे को कि मैं क्या सीखा हो बच्चा बताएगा क्योंकि बच्चे का ही आउटकम है क्योंकि बच्चा ही चाहता है कि उसको नौकरी मिले क्योंकि बच्चे के लिए कॉलेज है क्योंकि बच्चे के लिए हमारा आप है अगर हम ये सब नहीं समझ में आ रहा हमको तो हमारे लिए बहुत हाई टाइम है कि समझ लेना पड़ेगा मेरे कॉलेज के बच्चे कल परसों की बात है परसों मेरे पास सात आठ दस बच्चे आए सेकंड ईयर के थे कोई थर्ड ईयर के थे कोई एयोनाटिकल कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कोई टेलीकॉम कोई कंप्यूटर साइंस अलग अलग ब्रांच के आठ दस ऐसे दोस्त लोग थे कोवर्कर्स जिनका आपस में बड़ी जमती है वो सब आए और आपके साथ एक मीटिंग मिलेगी क्या हम करना है बाप रे देखो बच्चा बच्चा सेकंड थर्ड ईयर का मेरे को डायरेक्टर के पास आके बोलता आपसे मीटिंग करना है बोला मोस्ट वेलकम जैसे मैंने उनको बिठाया फटाफट तीन बच्चों ने लैपटॉप खोल दिए बोला अच्छा लैपटॉप पे मीटिंग होगी क्या हाँ सर बोले आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ना दिखाएंगे ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसके प्रूफ्स के साथ हमने पावर पॉइंट बना के रखा है सर सी अब ये तैयारी का अगर बच्चा आपके सामने बैठा है और अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं आपने बोल दिया चढ़ो चढ़ो चलो अभी तो अभी कैसे आ गए मेरे पास बारह बजे बारह का तो क्लास रहता तुम्हारा थ्योरी में चार्ट मारेगा तुमने ये बात नहीं कर सकते आप मैंने उनको बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बिठाया उनकी जितनी बातें थी सब समझ लिया मेरे को कुछ कुछ चीज़ें तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी तो समझ नहीं आ रही थी तो मैं मेरा जैसा भी लैपटॉप पे बैठा हूँ वैसा लैपटॉप सामने रखा था और उसको देख के गूगल कर रहा था ताकि उनको ना समझ में आए कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है और सही में नया नया था हमको नहीं मालूम और नहीं मालूम तो कोई बड़ी बात नहीं पर नहीं सीखे ये बहुत गलत बात है मेरे को नहीं मालूम था वो चैट जीपीटी के जो फैसिलिटीज़ बता रहे थे मेरे को नहीं समझ में आ रहा था मैंने अपना लॉग खोल लिया चैट जीपीटी का तो मेरे को समझेगा अच्छा अच्छा हाँ ये बारे में बात हो रही है गिट के बारे में बात हो रही है न्यूरा लिंक के बारे में बात हो रही है मेटावर्स के बारे में बात हो रही है बच्चे बहुत अलग जनरेशन पे जा चुके हैं पैंडमिक में उनको बहुत एक्सपोजर है अब वो लेवल का बच्चा और मैं कुछ तो भी अपना बिकॉज आई एम नॉट एडेप्टेबल टू द न्यू थिंग बिकॉज आई एम नॉट फ्लेक्सिबल टू अलाउ न्यू थिंग्स टू कम इन टू माई लर्निंग टीचिंग मेथर्स तो बच्चे तो बेचारे परेशान हो गया बच्चे बोले ऐसे टीचर कहाँ से मिल गए कोई काम के नहीं टीचर जिनको बेसिक चीजें नहीं समझते जिनको सॉफ्टवेयर नहीं समझता जिनको ये नहीं समझता वो नहीं समझता अगर ऐसा सबको लग गया तो कैसा होगा तो हमको फ्लेक्सिबिलिटी आप में लाना पड़ेगा टीचर को फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा बच्चे बोलेंगे सर दो दिन ना ये वाला काम करते गुड

मेरे को पहले एडॉप्ट करना पड़ेगा तब मैं लोगों को ला सकता हूँ दैट इज वेयर द होल पॉइंट लाइज कंपैशन रेडीनेस टू कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी ये बच्चे में अगर लाना है तो ये मेरे को उसको सिखाना है सिखाने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है इसका ये सिखाने के लिए सब्जेक्ट नहीं रहता ये सिखाने के लिए संस्कार करने पड़ते हैं बातों बातों में उसको समझा देना पड़ता इथिक्स बातों बातों में मॉरल्स बातों बातों में चोरी गलत है बातों बातों में सिग्नल तोड़ना गलत है बातों बातों में परीक्षा में कॉपी करना गलत है कॉपी करके पास होते पास होके नौकरी नहीं लगेगी वहां पकड़े जाओगे ये संस्कार ये इथिकल स्टैंडर्ड्स ये ये कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स ये लर्निंग मोटिवेशन ये उनमें डालना पड़ेगा ये सिलेबस के साथ साथ डालना पड़ेगा अब नैक अगर है शुरू करना है नैक पहली बात तो नैक में पहली बात हमको जो मेन करना पड़ता है डिजाइनिंग ड्राफ्टिंग मतलब नेक्स्ट शुरुआत कैसी करते हैं शुरुआत से चलेंगे फिर क्राइटेरिया वाइज आएंगे हम लोग शुरुआत में दो ये जो लाल चीज़ें लिखी है ना ये पहले ड्राफ्ट करना पड़ता है क्या क्या है विजन फॉर कॉलेज विजन फॉर डिपार्टमेंट मिशन फॉर कॉलेज मिशन फॉर डिपार्टमेंट पी प्रोग्राम एजुकेटिव ऑब्जेक्टिव पी एस ओ प्रोग्राम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पीओ प्रोग्राम आउटकम्स सीओ कोर्स आउटकम फोर फाइव सिक्स ब्रांच वाइज मेरे को स्टेटमेंट पहले तो ड्राफ्टिंग शुरू करना है क्या लिखना कैसा इन द दर्स्यूट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कमिटेड फॉर मॉरल्स एंड इथिक्स स्टैंडर्ड एंड विल बी बिकमिंग अ वेरी इफेक्टिव एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंिस करंट इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ द ग्लोबली कम्युनिटी कुछ लिखना पड़ेगा अब ये विजन मिशन स्टेटमेंट पी पीओ पी अगर आपका कॉलेज पुराना है उसमें मिशन विजन है सो so वॉट वो आज की तारीख में काम का नहीं होगा उसको चेंज करिए उसके सारे एक्सलेंट रिलेवेंट ये सबको लोकल वालों को बुलाइए इंडस्ट्री को बुलाइए टीचर्स को बुलाइए स्टूडेंट्स को बुलाइए पेरेंट्स को बुलाइए बोलो उनको कि आप क्या चाहते हैं कि मेरे कॉलेज का मिशन क्या रहे और विजन मिशन बदलते आता है बदलना भी चाहिए समाज के साथ दौर के साथ टेक्नोलॉजी एडवांसेस के साथ बदलना पड़ेगा मेरे को विजन, मिशन पी ईओ पी एस ओज एंड सी ओज ये मेरे को रिगुलसली एक बार बन के नहीं होता अठारह अठारह मिशन के स्टेटमेंट बनाए थे मेरे को याद है जब मेरे कॉलेज में पहली बार हमने मिशन स्टेटमेंट चेंज करने का सोचा था अठारह बीस पच्चीस पच्चीस तक के सर मिशन में ये डाल दे सर वो डाल दे। सर इसको तीन लाइन का बनाते इसमें दो लाइन का बनाते ये बनाने के बाद इसका मीनिंग निकलता है सर बाकी कॉलेज का तो मिशन इतना ऊपर है हमारा क्यों छोटा है सोचने में महीना भर लग जाता दो महीने लगते हैं मीटिंग आफ्टर मीटिंग लेनी पड़ती है हर एक स्टेक होल्डर इंडस्ट्री वाला आके बोलते देख क्या फालतू मिशन बनाया तुमने इसमें हमारे को तो तुमने सोचा ही नहीं पेरेंट्स बोलते ये क्या बना दिया हमारे बारे में तो आपने सोचा ही नहीं ऐसा हर बार हो सकता है इसलिए हमको न्यूमरस मीटिंग लेना है हर स्टेक होल्डर के साथ पेरेंट के साथ टीचर के साथ इंडस्ट्री के साथ अदर कॉलेज के प्रोफेसर के साथ अदर कॉलेज के प्रिंसिपल्स के साथ ऐसी सारी कमिटा ए के साथ यूजीसी के साथ नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के साथ अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के डीन के साथ ऐसी न्यूमरस बना के उसमें फिर विजन पहले विजन बनेगा बहुत बड़ा विजन स्टेटमेंट का बहुत, बहुत ऐसा इंक्लूसिव रहता है वो उसमें सब कुछ आना चाहिए और फिर उसमें से मिशन स्टेटमेंट बनते क्योंकि मिशन स्टेटमेंट जो बनेंगे ना कॉलेज के वही मिशन स्टेटमेंट को इनलाइन डिपार्टमेंट के बनना चाहिए और भाषा अलग होनी चाहिए पर्पज अलग होना चाहिए मिशन अलग चीज बननी चाहिए so, ये जब तक नहीं बनता तब तक नहीं बनेगा फिर पीईओज प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव ये भी बनाना है मेरे को बनाओ फिर चार स्टेटमेंट बनाओ कि तीन बनाओ कि पांच बनाओ इसकी सारी गाइडलाइंस यूजीसी पे एआईसीटी पे सब जगह अवेलेबल है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पे और वो तो छोड़ो गूगल पे पचारो कॉलेज के ये सारे स्टेटमेंट भी अवेलेबल है आप वहां से उठाइए समझिए उसको रिफ्रेंड करिए चलो सावली आप क्या करना रंजना महाजन मैडम प्लीज म्यूट करिए रंजना महाजन मैडम थोड़ा माइक म्यूट करिए थैंक यू सो सो विजन मिशन पीओ पीएसओ पीओ सीओ ये ड्राफ्ट करना नैक की पहली शुरुआत है पहली स्टेप है इसमें सब स्टेक होल्डर को अपने कॉलेज बुलाइए नहीं बुलाते होता तो ऑनलाइन बुलाइए ऑनलाइन भी नहीं हो रहा तो वो अपने ई से अपने को भेज दें ये सब भेज को हमारे पास एक लिस्ट बन जाएंगे फिर लिस्ट को दस दस बार बीस बीस बार पढ़ेंगे समझेंगे एंड देन कम टू नो कि यस विजन मिशन पीओ पी एसओस एंड सीओ आर ड्राफ्टेड यहां से NAC की शुरुआत है अब आ गया क्राइटेरिया और वेटेज मेरे को मार्क मार्क की स्केल होती है NAC में Thousand. Aspects, 100 पहला क्राइटेरिया क्या ऑब्वियसली तो पहला क्या रहेगा करिकुलर आस्पेक्ट टीचिंग लर्निंग सिलेबस प्रैक्टिकल है कि थियोरी है कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है परसेंटेज कितना है सिलेबस में क्या है क्या नहीं आईसी से मैच है कि नहीं यूजीसी से मैच है कि नहीं नागपुर सिटी का स्टैंडर्ड है कि नहीं करिकुलम इतने नंबर सौ अब सबसे करिकुलटेंट कॉलेज का हार्ट किसी भी कॉलेज का अगर ग्रोथ होना है सक्सेस होना है तो हार्ट ऑफ दैट कॉलेज इज टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्यूएशन उसको साढ़े तीन सौ मार्क है देखो हाइएस्ट स्केल देखो नीचे तक साढ़े तीन सौ मार्क दिए टीचिंग लर्निंग एंड इन क्या क्या आता इस है इसमें देखो साढ़े तीन सौ नंबर है अपन देखेंगे आगे जाके तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन सर्विसेस क्या आएगा रिसर्च इनोवेशन सर्विसेस मतलब आउटरीच प्रोग्राम क्या है आप कितने कोलेब्रेशन किए कितने नेटवर्क जो भी है चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस लर्निंग रिसोर्सेस में लाइब्रेरी आता है ऑनलाइन आता है प्रोजेक्टर्स आते हैं कंप्यूटर की फैसिलिटीज आती है इंटरनेट बैंडमिट्स आती है क्योंकि लर्निंग रिसोर्स ई बुक्स आते हैं ये लर्निंग रिसोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये देखो चार नंबर का जो है ना आपके और मेरे हाथ में बिल्कुल भी, भी नहीं है आप सजेस्ट करिए मैनेजमेंट को कि सर ये बोर्ड ख़राब हो गया सर हर क्लास में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना है हमको तो हमको प्रोजेक्टर्स अच्छे क्वालिटी के लगा के दीजिए सर कैमरा लगाना जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर में आजकल आप सजेस्ट कर सकते हो मैनेजमेंट को लेकिन आप कर नहीं सकते टीचिंग लर्निंग आप खुद कर सकते हो करिकुलम एस्पेक्ट आप खुद कर सकते हो लेकिन चार नंबर का जो है प्योर वो प्योरली मैनेजमेंट का क्योंकि आपने सजेस्ट भी कर दिया कि हर क्लास में सर पावर पॉइंट की बहुत जरूरत है बच्चों को अभी पैंडेमिक के बाद वही आदत है ऑनलाइन की तो सर अच्छे पावर पॉइंट दिखाने के लिए हमको हर क्लास में हर लेबोरेटरी में एक एक प्रोजेक्टर लगा के दीजिए अब उसका बजट आ जाएगा दस लाख बीस लाख पच्चीस लाख अब वो मैनेजमेंट का डिपेंडेंट है नो बजट अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा वो हमारी बात नहीं है तो ये चार नंबर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लर्निंग रिसोर्सेज लाइब्रेरी आप बोलो और हजार किताब खरीदना है पर हज़ार किताब फिर रहती है दस पंद्रह हजार की तो वो आपकी तैयारी है कि नहीं नाइट आई वांट टू पुट क्रॉसिस चार वाला पॉइंट हम पे ज़्यादा बॉदरेशन नहीं है चार वाले को हम सजेशंस की लिस्ट बना देंगे बाकी कॉलेज से कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनेंगे सर हमारा भी आर्ट कॉलेज है अपने गांव का ये आर्ट कॉलेज है उसके पास इतने किताब है उसके पास इतने प्रोजेक्टर्स है उसके पास ये है वो है वो है वो है ये एक बार आपने दिखा दिया तो मैनेजमेंट को ट्रिगर करना पड़ेगा कि हमको ये कुछ करना है एंड देन यू विल सी दिस अगर आपने मैनेजमेंट ने अच्छा खर्चा किया ये सब लर्निंग रिसोर्सेज क्रिएट किए इंफ्रास्ट्रक्चर किया बेंच डेस्क को अच्छा रिनोवेट किया क्लासरूम एकदम स्टैंडर्ड और क्वालिटी बनाई सौ में सौ मिलेंगे नहीं बनाई मत करना पर सौ मार्क के लिए आपके हाथ में कुछ भी नहीं है आपको सिर्फ सजेस्ट करना मैनेजमेंट को ये बजट इशू रहते हैं इसमें पैसे का इश्यू है तो चार का अपन ने सोचना बंद करो प्रिंसिपल देख ये एचओडी देख लेगा पांचवा फिफ्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्रेशन स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन कितने बच्चे एडमिट हुए कितने साल हर साल कितने बच्चे आगे बढ़े प्रोग्रेशन क्या हुआ उसके बाद उनका प्लेसमेंट हुआ क्या उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट क्यों गए क्या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इंजीनियरिंग है तो फोर्थ ईयर आर्किटेक्चर है तो फिफ्थ ईयर मेडिकल है तो फिफ्थ ईयर जो भी है ट्विन प्रोग्राम है तो एम मिल रहा है तो पाँच साल ये सारे पाँच साल तक हमको क्या देखना है स्टूडेंट का प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है जो पचास बच्चे आज फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुए उस पचास में से क्या पचास से पचास भी फाइनल में पहुंच गए एक साथ बहुत बड़ी बात है पहुंचने के बाद उन्हें रिजल्ट भी बहुत सही लाया क्या बहुत बड़ी बात है तो इसको बोलते प्रोग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स सक्सेस सक्सेस क्या है स्टूडेंट का पास होना एग्ज़ाम देना नौकरी लगना कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना कहीं फोरम की लीडर बनना उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब है तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मेरे को वो बच्चे पास होते होते उनको किस टाइप का गाइडेंस देना चाहिए कि वो क्योंकि इसको 130 नंबर है देखो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 130 में जीरो भी मिल सकता है उसके बाद है गवर्नेंस लीडरशिप मैनेजमेंट गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इसमें भी हमको बहुत कम रोल है कि क्या है लीडरशिप है कैसे बजट आता है कैसे फंड सैंक्शन होते हैं कैसा परचेस फैसिलिटीज़ हो रही परचेस में कैसा स्टूटेनी होता है क्या कोटेशन आते हैं टेंडर्स आते हैं कैसा पास आउट करते हैं मीटिंग्स कैसी होती है मैनेजमेंट हर टीचर से बात करता कि नहीं प्रिंसिपल की बात कितने बार महीने में होती है नंबर ऑफ मीटिंग सी की मीटिंग आई की मीटिंग ए की ये सब 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 जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसके लिए कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कॉलेज अथॉरिटीज़ एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बस आपको और हमको टीचर्स को कोई लेना देना नहीं वो आपके एच देखते रहेगा वो आपके जो भी है जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो देखेंगे एटलीस्ट कि ये सौ नंबर कैसे लाना है गवर्नेंस है मतलब आपके नोटिस निकलती है नोटिस निकल के सबकी साइन होती है साइन होने के बाद उसको स्कैन करके अपलोड हो जाता है कि नहीं आपकी लीव नोट्स कैसी जाती है लीव नोट ऑनलाइन है कि नहीं आप उसको सैंक्शन होते वक्त क्या रुकना पड़ता क्या सैलरी डिडक्ट होती क्या आपके टीचर के कोई अच्छे पेपर आए तो इंसेंटिव मिलता है क्या पेटेंट किया तो कॉलेज सपोर्ट करता है क्या ये सारी पॉलिसीज मैनेजमेंट लीडरशिप गवर्नेंस एक एच कैसे कैसे यूज करता है एच कितनी डिपार्टमेंटल मीटिंग लेता है कितनी कितनी एच की मीटिंग प्रिंसिपल लेता है कितनी प्रिंसिपल की मीटिंग मैनेजमेंट लेता है ये सारे को बोलते गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इसको सौ नंबर दिया है आसान नहीं है इसके सारे प्रूफ लगेंगे कि हम महीने में एक बार मिलते हैं तो दिखाओ मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल से महीने में एक बार तो मिलना चाहिए तो दिखाओ उसके प्रूफ दिखाइए तो ये वाला एक है सिक्स आइटम और सातवा है ये हमारे काम का है आपके मेरे काम का है टीचर्स कर सकते बच्चों के थ्रू कर सकते वो है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिस इसको भी सौ नंबर है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस क्या करना है मेरे मेरे यहाँ क्या ऐसा है जो कहीं कॉलेज में नहीं है उसको बोलेंगे ना बेस्ट प्रैक्टिस हर कॉलेज में प्लेसमेंट सर्विस रहती है हर कॉलेज में सुबह ये रहता वो रहता वो जो नॉर्मल है वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है वो तो रूटीन है जो रूटीन नहीं है ऐसा आपके पास क्या है उसको बोलते डिस्टिंक्टिवनेस क्या बोलते उसको डिस्टिंक्टिवनेस स्पेशलिटी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है आपकी ये जब तक मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो आपको सौ नंबर उसमें नहीं मिलेंगे पर ये सौ नंबर बहुत आसान है अगर हमने कुछ कर लिया अगर हमने बोल दिया कि हमारा कैंपस ग्रीन है ग्रीन कैंपस के लिए आप क्या क्या कर रहे हो वेस्ट मैनेजमेंट का एक वो कर लिया मैथडॉजी कर लिया फूड वेस्ट होने नहीं दिया हुआ तो उसको रिसाइकिल के लिए डाल दिया बहुत ज़्यादा ग्रीनरी कर लिया फ्रेश एयर की अरेंजमेंट कर लिया ए लगाने की जरूरत नहीं इतनी ठंडक ला लिया इतने पेड़ लगा दिए ये होगी बेस्ट प्रैक्टिस इंटरनेशनल टाई अप करा लिए अपने बच्चों को फॉरेन में भेज दिए फॉरेन के बच्चे अपने आप पढ़ रहे हैं एनआरआई कोटा में काम हो रहा है ये सब कुछ ऐसा इसमें से ऐसा कुछ आपके यहाँ हो सकता है क्या एंटरप्रनरशिप की स्पेशल सेल होंगी उसमें बच्चे खुद होकर बिजनेसमैन बन रहे हैं लड़कियाँ बिजनेस कर रहे हैं डिस्टिंगस ऑफ योर कॉलेज जो आपके नागपुर अगर आप मैं नागपुर में कॉलेज है तो मेरे नागपुर के मेरे कॉलेज में ऐसी मेरे को पाँच सात चीज़ें मालूम होना चाहिए जो नागपुर में किसी कॉलेज को इसको बोलते एंड बेस्ट आप ऐसा क्या कर रहे नहीं? जिसके कारण बच्चों को भयंकर फायदा हो रहा है। बच्चे को है। बच्चे का करना है तो ये वाली चीज आती है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिस इसको नंबर है सौ अपना काउंट आउट सबसे बड़ा क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस

और 120 नंबर रिसर्च और इनोवेशन में चार सौ सौ तो बच्चे सौ तो कहीं से भी मिल जाएंगे <coughs> तो हमको सीधा सीधा ए ग्रेड तो मिनिमम मिल जाएगा ये करना पड़ेगा ए ग्रेड मिल जाएगा मतलब ये आपको सब दिखाना पड़ेगा इसके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे <coughs> पांचवा नंबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट सपोर्ट प्लेसमेंट सेल है हायर लर्निंग सेल है इंक्यूबेशन सेंटर है इस सब कुछ क्या है ये स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है तो इनके परफॉर्मेंसेस देख के इनके देख के आपको ये बताना है यस हमको ये 130 में से 130 नंबर होना, दैट इज द पॉइंट नाउ, इसकी जो मिडल लेवल पॉइंट वो देखते हैं पचास नंबर है इसमें क्या कर रहा है यूनिवर्सिटी का देखो या या कॉलेजेड कोई भी देखो आप 34 बेसिक की इंडिकेटर्स है के आय बोलती है नाक में बहुत शॉर्टकट है तो के आए? इस के आए की इंडिकेटर्स की इंडिकेटर्स में अगर जैसा करिकुलर मेरे को डेढ़ सौ नंबर है अब डेढ़ सौ नंबर में मेरे को क्या क्या चीज मिलेंगी एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी पे पचास मार्क करिकुलम एनरिचमेंट पे तीस फीडबैक पे बीस और करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट में पचास अगर आप ऑटोनोमस आट कॉलेज नहीं है तो आपको वो देखो आखिरी के कॉलम में एने हैं क्योंकि आप अपना सिलेबस बना ही नहीं रहे आप नागपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस बना रहे हो सो so, आपको उसमें एने मिलेगा पर बाकी ऑटोनोमस है तो आप खुद सिलेबस बना रहे हो मीटिंग कर रहे हो एकेडमिक काउंसिल आपकी खुद की है तो आपने तो ये सब करना पड़ेगा आपको करिकुलर डिज़ाइन से लेके करिकुलम एनरिचमेंट से लेके फीडबैक एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी करंट ट्रेंड्स के साथ हमारा डिपार्टमेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये भी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो फिर मेरे को करिकुलर एस्पेक्ट में मेरे को सौ नंबर कैसे आएंगे तो सौ नंबर तो आराम से आना चाहिए ये वाला क्राइटेरिया हमारा है आपका मेरा है करिकुलम डिजाइन अपने जाते रहते हैं कुछ ना कुछ सिलेबस फ्रेमिंग वर्कशॉप में उसके सर्टिफिकेट्स लगाइए प्रॉपर उसको एंड्रॉस कर दीजिए उस दिन की ओडी रखिए ये कागज दिखा दिया तो आपको पचास में से पचास मिल जाएंगे फिफ्टी ऑन फिफ्टी इन करिकुलम आस्पेक्ट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग नॉट आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग ये वाला क्राइटेरिया वन में सौ में सौ सौ में नब्बे तो भी नंबर आराम से आ सकते हैं जस्ट हमने और आपने सोच लिया कि हो गया तो मिल जाता अब टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्यूएशन ये है कोर इसको कितने नंबर है सबसे ज्यादा थ्री फिफ्टी अब इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क यू कैन रीड आउट स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल तीस रुपए ये सब में अभी हमको क्या कर रहा है इसमें नंबर गेम है हमारे पास पूरा कैटरिंग टू स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी आपके पास कोई पंजाबी बच्चे कोई दिल्ली के कोई गुजराती है बंगाली है कुछ अलग अलग कैटेगरीज के, के हैं इनकी जो डाइवर्सिटी है इसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हो इसपे बीस नंबर है टीचिंग लर्निंग एक्चुअल प्रोसेस बीस नंबर टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी ऑफ टीचर ये कौन तय करेगा ये हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कि आपका प्रोफाइल एनरिस्ट है कि नहीं आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है कि नहीं कौन डिसाइड करेगा ये आपको ही करना पड़ेगा और ये आप करोगे तो नंबर आपको भी मिलेंगे आपका प्रोफाइल बनेगा अच्छा और उसी बहाने आप कॉलेज को भी आपके कारण सौ मार्क पचास मार्क तीस मार्क कुछ मिल जाएंगे दिस इज द पॉइंट तो नैक क्राइटेरिया से नैक मिलना बड़ी बात नहीं है नेक के प्रोसेस से गुजरना बहुत इंपॉर्टेंट है नेक के प्रिपरेशन प्रोसेस में घुस जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल में तो हम कुछ नहीं कर सकते जितनी एडमिशन आपकी रहेंगी उसके हिसाब से परसेंटेज मिलता है पर कैटरिंग टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी बल्ब पांच बच्चे फ़ॉरन के हो तमिलनाडु के आगे महाराष्ट्र में तब भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उनको लैंग्वेज नहीं समझती उनको फूड पसंद नहीं है बहुत इश्यूज हैं तो क्या ये वाली डाइवर्सिटी को मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ इसमें कोई सिस्टम है क्या दैट इज दिस इज द पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज़ इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स अभी बहुत इवैल्यूएशन प्रोसेस आ गई है आपने देखी कि नहीं ये आपके प्रॉब्लम है बहुत अमेजिंग इवैल्यूएशन प्रोसेस आ गई असेसमेंट टूल्स आए हुए जिससे हमको ये समझ में आ रहा है कि मेरा टीचिंग लर्निंग का असेसमेंट कितना हुआ फिर टीचर प्रोफाइल क्वालिटी इवेल्यूशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम्स एंड स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ पचास मार्क का रहता एस 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 स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे और ये क्या करती है इनायक खुद बच्चों को ईमेल कर देती है आपने आपसे बच्चों का डेटा लिया हुआ रहता है और बच्चों को ईमेल करके पूछ लेते हैं कि आप इस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो कि नहीं इफ कॉलेज के टीचर से सेटिस्फाइड हो कि नहीं ये जो पचास मार्क है ना ये पूरा नेक कैंसिल करवा सकता मेरा बाकी कितना भी रिसर्च किया रहेगा कितना भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहा लेकिन उनको अगर ये समझ में आ गया कि बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है सारा पानी मिल कहीं पे कुछ भी मिलने के चांसेस उसके बाद खत्म हो गए आपके क्योंकि आपने स्टूडेंट परफॉर्मेंस को ध्यान ही नहीं दिया है आपने स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचा ही नहीं एस 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 स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे हम लोग बहुत बड़े चार्ट बनाते एक्सेल में बनाते सब करते लेकिन यार जब बच्चे को फोन कर लेंगे ना यार आर यू हैप्पी विद दिस कॉलेज नहीं सर बेकार कॉलेज अरे टीचर कैसे थे कहाँ सर टीचर पढ़ाते नहीं थे सर ये हो गया पूरा नायक ने आपको सोच लिया कि ये फालतू कॉलेज अगर आपको फालतू कैटेगरी में डाल दिया नायक ने तो फिर कितनी भी कमीटियाँ लगा लो कोई फायदा नहीं रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन ये प्योरली मेरा और आपका काम है इसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता इसमें सिर्फ हमारा और आपका काम है क्या करना है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड फैसिलिटीज आपके भी कॉलेज में कुछ रिसर्च फैसिलिटी होंगी जो आपके खेड़े में आपके गांव में आप ही के कॉलेज के अंतर्गत उसको यूज कर रहे हैं छः छह महीने बंद पड़ा है तो दस आपने दस लाख की चीज खरीदी इसलिए दस लाख रुपए लेके बैठ जाऊंगी क्या लेट पीपल यूज एंड एंजॉय

These are the uh, you know numbers. अब इनसे अपना नंबर कितना ज्यादा जाने वाला है वो मेरे को समझना पड़ेगा ना इनसे मेरे को कितना नंबर आगे जाने वाला है सो कोलैबोरेशन ट्वेंटी ट्वेंटी कोलैबोरेशन है बीस मार्क का लेकिन कोलैबोरेशन का इफेक्ट पचास गुना आएगा क्योंकि कोलेबरेट करोगे तो रिसर्च आएगा तो रिसर्च ए नंबर कोलेब्रेशन क्या रिसर्च होगा रिसर्च से पब्लिकेशन आएंगी फिर नंबर आएंगे पब्लिकेशन किया तो पेटेंट किया फिर नंबर एस में चले गया उसके नंबर एक आपने कोलेबरेशन को बीसी मार्क है ट्वेंटी मार्क्स कैन फेच यू अनादर हंड्रेड मार्क्स दैट यू टेक इट फ्रॉम मी सो आई ऑलवेज प्रमोट वॉट कोलेब्रेशन एक्सटेंशन एक्टिविटीज आर ओनली फिफ्टी मार्क्स रिसर्च है NAC का क्राइटेरिया तीन नंबर इज रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन तो इसमें अगर हमको कुछ करना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको एक्सटेंशन एक्टिविटी कोलैबोरेशन नेटवर्किंग बाहर के लैब में जाना बाहर के कॉलेज में जाना बाहर के कंट्री में जाना बाहर के स्टेट में जाना एक्सटेंशन एक्टिविटी करना है इंडस्ट्री में जाना और कोलेब्रेशन करना अगर ये दो चीज आप कर लेते हो ना तो यू हैव लाइक ढाई सौ में ढाई सौ नंबर आ जाएंगे अगर आर एंड डी में चाहिए तो क्योंकि इसी से आउटपुट निकलने वाली सारी चीजें फोर्थ क्राइटेरिया नाउ फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या लिखा है फिजिकल फैसिलिटीज है ये वैसे भी देखो ये फोर्थ जो पॉइंट है ये हमारे बहुत कंट्रोल में नहीं है क्योंकि तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट बनाती है लॉजिस्टिक्स उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस बिल्डिंग ये सब टीचर नहीं कर पाएंगे टीचर सिर्फ प्रमोट कर सकता है सर अपने एक नई बिल्डिंग बना लेना चाहिए सर अभी इंटेक बहुत बढ़ गया है आप सजेस्ट कर सकते हो लेकिन आपके हाथ में नहीं है टीचिंग को क्वालिटी बनाने का सोचा आपको आपके हाथ में है वो जितना जितना पकडोगे ना जितना उसको सेग्रीगेट करोगे उतना अपने को मिलते जाएगा लर्निंग रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बड़ा मॉडर्न लाइब्रेरी जर्नल्स इट शुड हैव ऑटोमेटिक डेटाबेस कनेक्शन इट शुड रजिस्टर

सो फोर्थ पॉइंट वो है कि आपके यहां झाड़ू वाले चार है और आपको समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है चार से नहीं हो रहा यू कैन सजेस्ट यूर मैनेजमेंट सर चार नहीं आठ लगेंगे अपने को भी दे आर नॉट एबल टू क्लीन टिल पाँच बजे तक भी उनका वरंडा झाड़ू मारना नहीं होता बता सकते हो सो so फोर्थ वाला सिर्फ आपको बता के फ्री हो जाना है तो चौथा क्राइटेरिया क्यों देखते बढ़ेगा मैनेजमेंट मैनेजमेंट विल टेक केयर कि हाँ बिल्डिंग बना देते हैं हाँ अभी इंटरनेट की बैंडवेट डबल कर देते हैं खर्चा है फोर्थ है नाउ फिफ्थ सिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेस स्टूडेंट सपोर्ट फाइव पॉइंट टू इज स्टूडेंट प्रोग्रेशन 5.3 student स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज एंड is alumni engagement. Alumni engagement एल्यमनी जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक कॉलेज का भला कभी हो ही नहीं सकता तो स्टूडेंट प्रोग्रेशन को कितने है हमारे सादे कॉलेज को वन थर्टी है बाकी यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस को सौ सौ नंबर है ये पहला कॉलम जो है ये अपन ने देख लिया ये फर्स्ट कॉलम जो है दिस इज फॉर यूनिवर्सिटीज सेकेंड इज फॉर ऑटोनोमस कॉलेज एंड थर्ड कॉलम लास्ट कॉलम इज फॉर नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज कंडक्टेड कॉलेजेस यूनिवर्सिटी कॉलेजेस उसके बाद है गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एंड रीड इंस्टीट्यूशन विच इन लीडरशिप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मोबालाइजन एंड इंटरनेट क्वालिटी आई क्यू ए एस कैसा है आपका उस पर डिपेंड करता है कि नायक आप अच्छा जाने वाला नहीं जाने वाला क्योंकि नंबर तो आपको हजार में से उतने लाने ही पड़ेंगे उसके बाद डीवी भी आता है उसके बाद प्रूफ चेक होते प्रूफ नहीं मिला तो नंबर कम होते प्रूफ सही मिला तो नंबर मेंटेन होते ये सब कमिटी आने के पहले ही हो जाता है तो मतलब सेवेंटी परसेंट ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन और सेवेंटी परसेंट ऑफ योर स्कोर विच यू आर एक्सपेक्टिंग आर ऑलरेडी डन बिफोर कमेटी विजिट जब कमेटी आती है मुश्किल से डेढ़ दिन रहती है और डेढ़ दिन में अपने को जो चीजें उन्होंने नहीं देखी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मैक में दो चीजें क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है और कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स तो जो क्वालिटेटिव है वो ये कमेटी आके देखती है क्वान्टिटेटिव में कुछ नहीं है आपके बच्चों को कितने अवार्ड मिले पचास मिले होंगे या चालीस मिले होंगे चालीस सर्टिफिकेट लाइन से एक पीडीएफ बना के लगाना पड़ेगा अगर आपने बी सी लगाए तो आपको नंबर आधे हो जाएंगे दैट इज द पॉइंट सो फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजीज ये भी हर कॉलेज में बहुत जरूरी है क्या एम्पावर करती है अगर फैकल्टी का रिसर्च पेपर हो गया मेरे कॉलेज में मैंने कर दिया मैंने पॉलिसी एज अ डायरेक्टर यानी मेरे सारे कॉलेजेस में कि अगर आप एस सी आई स्कोप इंडेक्स रिसर्च पेपर कर रहे हो तो वी विल पे यू थ्री थाउजेंड रुपीज इफ यू गेट अ पेटेंट इफ दैट पेटेंट इज वर्थ कमर्शियल वैल्यू अच्छी है बहुत अच्छा पेटेंट है लेकिन उसमें वकील और ये सब खर्चा तीस हजार आ रहा है कॉलेज विल पे फिफ्टीन थाउजेंड देखो मोटिवेशन इंस्पिरेशन पैसे से भी होता है पैसे से ही ज्यादा होता है इरादर आप सब लोग मेरे को मान लेंगे पॉइंट है कि पैसा मिल रहा है ना तो मैंने क्या कर लिया बच्चों को भी बच्चे अगर जब तक आई में नहीं जा रहे एन में नहीं जा रहे दिल्ली बॉम्बे पूना में नहीं जा रहे बड़ी सिटीज में नहीं जा रहे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए आइडिया के लिए एंटरप्रनरशिप स्किल्स के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट को मिलने के लिए ये सब अगर बच्चे जा रहे दिल्ली बॉम्बे पुणे तो उनको पैसे देना पड़ेगा ना सो हैव डिसाइडेड दैट वी विल ए सी थ्री हाफ कुछ तो उन्होंने भी डालना चाहिए सो so ऐसी पॉलिसीज जब तक फैकल्टी इंसेंटिव पॉलिसीज नहीं बनती कॉलेज में तब तक फैकल्टी का परफॉर्मेंस जैसा चाहिए जो लेवल का चाहिए वो शायद ना मिले सो इट्स इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सातवा है सेवेंथ इज इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें अपने को बहुत कुछ है ग्रीन ऑडिट करना है एनर्जी ऑडिट करना है मैनेजमेंट देखना है आई लेना है सेवेंथ क्राइटेरिया में तीन चीजें अगर आप कर लो ना उनसे आई एस अगर कॉलेज आपका आई नहीं है अभी भी तो आई बनना बनना चाहिए सिस्टम डेवलप हो जाती है वो फाइलें वाइले लगना सब सिस्टमैटिक आ जाता है आई दूसरा ग्रीन ऑडिट ऑफ द कॉलेज आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे आप बहुत ही कम ग्रीन तो नहीं है आपके पास क्या ऐसे इश्यूज है जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं आपके पॉलिथीन और सैग्रीगेट घो के कचरा जाता कि नहीं देर आर हंड्रेड एनवायरमेंट ऑफ पानी थ्रो टेस्टू टूडे सो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ग्रीन ऑडिट करा लीजिए कॉलेज का एनर्जी ऑडिट करा लीजिए सोलर पे है कि नहीं वेस्ट मैनेजमेंट है कि नहीं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर मेरा जो कॉलेज है मेरा कॉलेज नहीं हमारी संस्था हंड्रेड परसेंट पंद्रह से बीस कैंपस है हमारे हंड्रेड परसेंट इट इज ऑन सोलार वी डोंट वी नेवर यूज एनी एम एस सी बी पावर सिंस मेनी ईयर्स So, मेरा कैंपस हंड्रेड परसेंट ग्रीन कैंपस है हम बोल सकते कैंपस में पेड़ कितने लगाए हमने सत्रह हजार झाड़ है मेरे पास सेवन थाउजेंड यू आर ऑल वेलकम टू सी माई कैंपस एनी टाइम हमने जब कैंपस में बिल्डिंग बनाना शुरू किया था नाइनटी फोर में पूरे कैंपस में सेवेंटी टू एकर्स का कैंपस है मेरा एक भी ग्रीन कलर नहीं था झाड़ था ही नहीं और आज नागपुर का बिगेस्ट कैंपस नागपुर का बिगेस्ट कॉलेज और नागपुर का ग्रीनेस्ट कॉलेज है आई कैन वाउच फॉर इट सत्रह से एक सौ सत्तर तो नीम के झाड़ है दो सौ तीस तो सिर्फ आम के झाड़ है अपने नीलगिरी के है टीकूड का कम से कम मेरे पास पांच सौ छह सौ झाड़ होंगे सागाची तो पूरा जंगल बनाया हुआ है तो अपने आप ही जीरो पोल्यूशन लेवल पे चले गया कॉलेज ऊपर से जो पोल्यूशन होने वाला था ए और और की लाइन आने से इलेक्ट्रिक आने से कार्बन फैक्टर खराब करने से तो हम हंड्रेड परसेंट सोलर से खत बनता है सब परफेक्ट है तो फिर उसको क्या हो जाता है ग्रीन ऑडिट एनर्जी ऑडिट और तीसरा है आई ये तीन चीजें अगर आप अपने कॉलेज में सजेस्ट करिए ये अगर कर लेते हो तो आधा काम हो जाता है कौन सा वाला पचास मार्क मिलने में बहुत आसान हो जाती क्योंकि आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हो इसके आपके पास प्रूफ है अभी इसमें सबसे विनबिन कौन सा है मालूम जिसमें आपको भी फायदा और कॉलेज को अपने आप फायदा ये है एक क्राइटेरिया नंबर तीन एक सौ बीस नंबर है रीड आउट वॉट आई ऑन दिस थिंग मोर यू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस क्राइटेरिया मोर यूर करियर बिकम रिवॉर्डिंग डिसाइड योर पर्सनल प्रोफाइल एनहांसमेंट फॉर योर डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन गेट्स बेनिफिट एंड यू कैन फेच ऑलमोस्ट फुल मार्क मैं तो सबको बोल रहा हूँ यार ये प्योरली आप मेरे टीचर के हाथ में है इसमें तो 120 में से 120 मिलना ही चाहिए क्यों मिलना चाहिए क्योंकि तो ये काम हम कॉलेज के लिए नहीं कर रहे हैं ये कॉलेज में पर्सनल के लिए कर रहे ये मेरे रिसर्च पेपर बनाना मेरे पेटेंट निकालना मेरे को पावर पॉइंट मेरे को अच्छे ग्रांट्स लाना मेरे को फंडिंग लाना मेरे को ट्रैवल करना मेरी कॉन्फ्रेंसेस अटेंडेड मेरी अटेंडेड मेरा लर्निंग मेरे पेटेंट्स मेरी कॉपी राइट्स सबसे मेरा खुद का प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है और मैं मेरा प्रोफाइल भी इंप्रूव ना करूं इतना स्टूपिडिटी मैंने कभी जिंदगी में करनी भी नहीं चाहिए सॉरी टू यूज दैट वर्ड बट यू नो बीस नंबर तो पक्के हाथ में है क्योंकि इसमें आपका ही फायदा हो रहा है आप आपने रिसर्च पेपर लिखा आपका स्कोपस इंडेक्स बढ़ेगा आपका गूगल साइटेशन बढ़ेगा आपका एच इंडेक्स आई इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका फायदा है तो फिर आपके फायदे के लिए आप करते चलो डिपार्टमेंट का और कॉलेज का फायदा तो अपने आप हो रहा है अनायस हो रहा है तो हो रहा है अच्छी बात है इसके बाद ये रिसर्च अगर आपने अपने दिल पे ले लिया तो देखो कितने बेनिफिट है डिपार्टमेंट को तो नंबर मिल जाएंगे नैक में कॉलेज को भी नैक में रिसर्च एंड इनोवेशन के एक नंबर मिल जाएंगे लेकिन आप यू एज ए टीचर को आपको ये इतने बेनिफिट मिलेंगे यू कैन रीड दैट अपग्रेडेशन ऑफ यूर क्वालिफिकेशन नेम एंड फेम अपॉर्चुनिटी टू विजिट फॉरन यूनिवर्सिटीज एंड लैब्स चांस टू इनोवेट क्रिएट डिस्कवर एंड इनवेंट रेपुटेशन इन द फील्ड सेटिस्फैक्शन चांस टू ओबलाइज मेनी फॉर देयर करियर ये क्या होता है ओबलाइज मतलब कैसा हो रहा है कि आप गाइड करोगे वो लोगों को अगर आप पी एच डी हो गए और आपने गाइडेंस चालू कर दिया तो आपके अंडर समझो दस पी एच डी स्टूडेंट है वो दस को आप करियर में ओबलाइज कर रहे हो एक्चुअली सबको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल करा रहे हो अब मेरे पास भी मेरे अंडर तेरह पी स्टूडेंट हो गए कि काम किया प्रिंसिपल बन गए मेरे स्टूडेंट जस्ट बिकॉज दे डीड अ क्वालिटी गुड वर्क जस्ट बिकॉज दे आर डॉक्टरेट जस्ट बिकॉज दे कुरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च जस्ट बिकॉज दे है दे हैव नो ऑर्सिड स्कोर ऑर्सिड आई डी उस पर से आपका स्कोपस इंडेक्स ये सब कुछ करना है आपके लिए थोड़ा इसे देखो पहले मेरा नाम था मोस्ट विन विन क्राइटेरिया है ये कॉलेज का फायदा हो रहा होने दो डिपार्टमेंट को बहुत लॉरेज सारे आने दो मैं तो करता हूँ मैं मेरा आर एन डी करता हूँ मेरे को प्रोजेक्ट मिलता है मैं फॉरन ट्रिप्स होती मेरी मेरे को फंडिंग होता है उसी बहाने कॉलेज को तीस चालीस लाख रुपए मिल जाते मेरे तो वो डिपार्टमेंट का फायदा है वो कॉलेज का फायदा है उससे मेरे को क्या लेना देना है उसमें लैब डेवलप हो रही प्रोजेक्टर जो हम चालीस पचास हजार का लेते आप मेरे पास जो मैंने मेरे स्कीम में प्रोजेक्टर लिए वो चार लाख और तीन लाख के हैं सुपर हाई टच स्क्रीन इंटरएक्टिव बोर्ड्स लगे हुए मेरे पास क्योंकि फंडिंग आया है ना कौन मैनेजमेंट है जो पचास हजार का प्रोजेक्टर मिलने के बाद पाँच लाख का लेंगा हमने लिए मैंने सारे जो प्रोजेक्टर मेरे पास प्रोजेक्टर जो मेरे रूम्स हैं मेरे प्रोजेक्ट के अंडर जो लेबोरेटरीज आती ग्रीन लैब सोशल इनोवेशन लैब साइबर इथिक्स लैब ये वाली लेबोरेटरी में आप आके देखिए तीन और चार लाख के तो प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं टच स्क्रीन एप्सन के डायरेक्ट इससे मोबाइल से कनेक्ट होने वाले यहाँ से ब्लूटूथ से अपन पावर पॉइंट चेंज कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल है प्लेन बोर्ड से क्या नहीं है साढ़े तीन लाख का अगर जो चीज़ पावर प्रोडक्शन इसमें मिल रही लैपटॉप की जरूरत नहीं वहीं पे इंटरनेट शुरू होता है वाईफाई कनेक्टेड है आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज है और वो चार लाख का है अब चार लाख का अगर खरीदना है तो मैनेजमेंट थोड़ी देंगी चार लाख तो हमको कहीं ना कहीं से फंड जुगाड़ना है तो क्या हो रहा है मोस्ट विन विन क्राइटेरिया है है ट्रिमेंडस और क्या क्या करना है अभी एग्जाम्पल देखो सात आठ सात क्राइटेरिया में से चौथा तो छोड़ दो एक साथ छठवा भी छोड़ दो आपके हाथ में चार पांच चार क्राइटेरिया है और वो चार क्राइटेरिया में थर्ड क्राइटेरिया आपके एकदम हाथ में है तो थर्ड क्राइटेरिया क्या है रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च रिसर्च पब्लिकेशन आउटरीच एक्टिविटीज कोलेब्रेशन एंड लिंकेजेस ये चार मुद्दों पे काम करना है आपको और ये आप ही को करना पड़ता है ये कॉलेज कर ही नहीं सकता ना ये कोई टेबल कुर्सी थोड़ी है खरीद के ला लेंगे वो चार नंबर के पॉइंट में लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मिलने वाले हैं हमको एक्स्ट्रा रूम एक्स्ट्रा एसी सी लग गए कंप्यूटर लग गए वो सब मैनेजमेंट कर रहा है ये आपको करना पड़ता है आपका टॉपिक आपका पेपर आपका साइटेशन बढ़ेगा आपके रिसर्च पेपर नंबर बढ़ेगा ये आपके लिए है और अनायास आपने अगर अच्छी से काम किया तो कॉलेज का बहुत बड़ा बेनिफिट है नैक्ट में हमको बहुत अच्छा ग्रेड मिल जाएगा अब ये सब में अगर मेरे को चाहिए ना नंबर मतलब 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये जो चारों पॉइंट में अगर मेरे को नंबर चाहिए मतलब मेरे को कुछ ना कुछ दिखाने को होना तो उसके लिए एक ही मंत्र है नेटवर्क इज नेटवर्थ ट्रेवल मीट न्यू पीपल एंड कवर इंटायर बैंड ऑफ सोसाइटी बियॉन्डर बॉर्डरस्टैंड होता है इट्स एन ईर ऑफ कोलेबरेशन एंड नेटवर्किंग कर रहा हूं मैंने पिछली बार भी शायद ही बताया होगा आई एम वर्किंग विथ अलेवन वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज पांच इजराइल यूनिवर्सिटीज हमेशा जाते रहता हूँ नेपाल है किर्गिस्तान है इंडियन पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा काम हो रहा है क्या हो जाता है पार्टनर के साथ काम करते करते मजा भी बहुत आता है ट्रैवलिंग बहुत अच्छी से होता है वो लोग आते हैं हमको समझाते है। जो एक्चुअल पढ़ाई से अच्छा विजिट करना पूरा था और वो विजिट करने में जो नॉलेज आ रहा है जो ज्ञान मिल रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट है जिस पर पे रिसर्च पेपर पेटेंट वेटेंट पे तो बहुत आराम से बन जाते हैं तो पर्पज सर होता है ये इंपॉर्टेंस है कोलेब्रेशन नेटवर्किंग इंटर काम करने का मैं चौबीस यूनिवर्सिटी के साथ टाइप किया हूँ अराउंड थर्टी थ्री यूनिवर्सिटी के साथ काम किया अभी तक एक भी जगह पे आई एम ए फिजिक्स प्रोफेसर बट आई तो सब जगह में अपने चॉइस से उनके हिसाब से दोनों को विन विन होगा ऐसे वाले डिपार्टमेंट से मैं कोलेबरेट कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ बाउंड्रीज डिस करो तो पैसा बहुत है यू कैन सी फिफ्टी फोर लैक्स फिफ्टी फोर लैक्स ट्वेंटी टू लैक्स सेवेंटी फाइव लैक्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते इसकी कोई बड़ी बात नहीं तो क्राइटेरिया थ्री है रिसर्च करिए पेपर प्रेजेंट करिए कोलैबोरेट करिए नेटवर्क करिए इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स लाइए पैसा लाइए अब एंड टू ये सबसे इंपॉर्टेंट ये तो मतलब आपकी प्राइम ड्यूटी जिसके लिए आपको सैलरी मिल रही है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करिकुलम एस्पेक्ट्स दोनों एक दूसरे में वुवन है जैसा करिकुलम में सिलेबस कवरेज कैसा होता है सिलेबस के बियॉन्ड क्या पढ़ाते हो स्किल बेस एजुकेशन देते हो कि नहीं करिकुलम मतलब क्राइटेरिया वन में आ रहा है और क्राइटेरिया टू में क्या आ रहा है नंबर ऑफ क्लासेस नंबर ऑफ कोर्सेज बियॉन्ड कोर्सेज बियॉन्ड सिलेबस कोर्सेज यूटिलिटी कवरेज सी मैपिंग कोर्स आउटकम मैपिंग कोर्स प्रोग्राम आउटकम मैपिंग ये सब सब कुछ आ रहा है क्राइटेरिया टू में तो जैसे मैंने बोला ना कि रिसर्च वाले एक सौ बीस नंबर ले लो वैसा ही ये वाले भी साढ़े चार सौ नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे इसमें कोई मैनेजमेंट हेल्प नहीं कर सकती कोई एच हेल्प नहीं कर सकता ये इंडिविजुअल टीचर टीचर का टारगेट है टीचर को चाहिए कि उसने ये करना है दैट्स इट वन एंड टू टुगेदर सौ मार्क और साढ़े तीन सौ इसको बारीक बारीक पढ़िए मैंने अभी दिखाया भी है अब इसको इसको कैसे कवर किया जाए उसमें इनोवेशन इन टीचिंग चाहिए उसमें नए तरीके चाहिए उसमें पावर पॉइंट चाहिए उसमें जूम पे थियरी क्लास हो रही कि नहीं उसमें क्या क्या नहीं हो रहा जितना कुछ हो रहा है उसमें इनोवेशन है क्या तभी ये बच्चे वाले साढ़े तीन सौ नंबर मिलने वाले हैं और वो मिलने के लिए बेस्ट मेरे को एक सजेशन था इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे ठीक है असाइनमेंट फ्रॉम मी डिसाइड फॉर ईच लेक्चर टॉपिक कोड तो आप लेते हो टॉपिक कोड वन टॉपिक कोड टू टॉपिक कोड थ्री फिर वहां पे उसकी यूनिट कौन सी यूनिट में आता है फिर कंटेंट फिर डेट फिर टाइम फिर लिया कि नहीं हो गया तो ठीक यू हैव लेसन प्लान यू हैव टीचिंग प्लान उसी में ये पांच कॉलम ऐड कर दीजिए ये मेरा एक सजेशन है बहुत काम में आता है नया कितना स्मूथ हो जाएगा आई टेल यू मेथोडोलॉजी मीडिया बुक रिकमेंडेड एंश्योरिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी जैसे टॉपिक कोड वन मंडे है ना छ्रैल उसके बाद टॉपिक आएगा क्या पढ़ा रहे हो आप उसके बाद और पांच छोटे छोटे कॉलम कर दीजिए इसमें आप लिखोगे कि आज कौन सी मेथड में मैं ये पढ़ाने वाला हूँ कौन सी मीडिया यूज करके पढ़ाने वाला हूँ कौन से बुक्स के बारे में बात कर दूंगा ना नायस रिकमेंड करूंगा ऐसे में बच्चों को कैसे मैं इंटरेक्टिव बनाऊँ उनको पार्टिसिपेटिव लर्निंग का मजा कैसे दू और उनको पढ़ते पढ़ते उनका असेसमेंट कैसे दू ये पांच मुद्दे वहीं पे घर से जाने के पहले क्लास में जाने के पहले पूरा मैं सोच के जा रहा हूँ पूरा सोच के जाने के बाद मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरा जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग था वो बहुत ऊपर चले गया और वही मेरी एक इच्छा है कि अगर आपने ये टॉपिक कोड आपके जो लेक्चर्स है आपका टीचिंग प्लान है लेसन प्लान है उसके अगर ये पाँच चीज़ें रख ली ना तो आपको इतना सही हो जाएगा बच्चों का फीडबैक फुल स्टूडेंट सर्वे फुल क्लास टाइम मैनेजमेंट पे भी मैं बहुत बार बोलता हूँ लेक्चर्स लेता हूँ पर सोचा वन एंड टू में अगर नंबर लाने हैं सौ और साढ़े तीन सौ साढ़े चार सौ नंबर है यार तो क्लासरूम टीचिंग बहुत ही अमेजिंग इफेक्टिव होना चाहिए एक बेसिक मॉडल है मेरा क्लास टाइम मैनेजमेंट का साठ मिनट का अगर आपका क्लास है तो आप क्या करोगे पहले बिफोर क्लास बिफोर यू एंटर क्लासरूम प्रिपरेशन होना चाहिए क्लीनिंग ऑफ बोर्ड सब्जेक्ट टाइटल टॉपिक डेट एक्सेट्रा मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ तीस साल बत्तीस साल हो गए मेरे जाने के पहले मेरा क्लास मॉनिटर जो रहता है उसके पास ही मेरा डॉक्टर डस्टर और चौक देखे रखा रहता पहले पहले का क्लास खत्म हुआ कि वो फटाफट क्लीन करता है डेट डालता टाइम डालता सब्जेक्ट का नाम डालता है टाइटल ऑफ द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टीच क्योंकि टीचिंग प्लान उनके पास रहता है टॉपिक को उनको मालूम है डेट डालता और शुरू कर देता फिर मैं एंटर करता हूँ तो जब मैं एंटर करता हूँ तो, तो मेरा बोर्ड क्लीन रहता है उसमें तीन पे डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है उसमें डेट रहता है टॉपिक कौन सा पढ़ाने वाला है उसका टाइटल रहता ये रेडी रहता फिर पहले दो मिनट में मैं कनेक्टिंग टू द स्टूडेंट्स पॉजिटिव थाट्स ग्रीटिंग पहले बेंच पे बैठ रहा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वेरी गुड बेटा तुम हैंडराइटिंग देखो इसकी राइटिंग पहले दो मिनट में पॉजिटिविटी फैला दीजिए ना कि कि मैं तो पहले दो मिनट में ऐसा देता हूं, उसके 58 ऐसा नहीं करना है हमको पहले दो मिनट पॉजिटिव नोट्स पे शुरू करना है तो फिर नेक्स्ट पांच मिनट में लास्ट क्लास में क्या रिविजन किया वो देखना है, है प्लांट

बोर्ड क्लीन रहेंगेगा कटकट नहीं रहेगा यार पुराना मैथ्स लिखा हुआ है अब मेरे को केमिस्ट्री मिटाना है ये बच्चे को बहुत मजा आता करने को मैं तो तीस साल का एक्सपीरियंस है बच्चे करते मेरे लिए और फिर रिविजन और आखिरी पाँच मिनट फिर से थोड़ा तारीफ करना उनको होम असाइनमेंट देना ये पढ़ के आना वो वेबसाइट देख लेना वो यूट्यूब चैनल देख लेना ये बोल के मस्त हंसी मजाक से क्लोज करना तो साठ मिनट का जो फीडबैक आएगा ना तो बच्चों को जब नैक की कमेटी विजिट करेगी ना नहीं 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 ये मैडम नंबर वन ये सर नंबर वन ये तब होता है जब हम उसको इतना ज्यादा प्री प्रीप्लान करते है सिर्फ। को मैंने वन टू थ्री फोर पांच छह जगह पे डिवाइड किया साठ मिनट को उसमें कंटेंट रखा बाकी पंद्रह मिनट में बाकी चीजें करने लगा रहा हूं जिसकी इफेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी अब ये सब करना है तो मेरे को बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा और ये अगर मेरी मेथोडोलॉजी क्लियर हो गई मीडिया क्लियर मीडिया क्या रहता है पावर पॉइंट है वीडियो है जूम पे किसी को बुला लिया है माइक्रोसॉफ्ट टीम से बुला लिया है मीडिया ऑडियो विजुअल्स यूज कर लिए सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर लिए मीडिया मेथड्स क्या होती है मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हो आप बच्चा बोर्ड पे चले गया आप पढ़ रहे हो टीम बना लिए टीम के हिसाब से पढ़ाई हो रही है ये हो गई उसकी मेथड्स ऐसे ही बुक्स इंश्योरिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन और असेसमेंट इसका सही करिए आई एम श्योर ऑल सेवन क्राइटेरिया ऑफ नैक कहा लिखे मेरे को एक बार देख लें दो आपको दिखा देता हूँ। ये दो क्राइटेरिया कर तीन सौ मार्क रिसर्च में एक सौ बीस मार्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे सौ मार्क पांचवे में एक सौ तीस गवर्निंग शेयर पे सौ और सात अब आपके पास सारे क्राइटेरिया के हमने डिस्कस किए यू हैव टू सैग्रीगेट क्राइटेरिया

ये जो क्राइटेरिया की बात की ना ये जो मैं टीचिंग मेथड बता रहा हूँ मीडिया बदलो ये बदलो बुक रिकमेंडेड की बात करो क्लासरूम टाइम मैनेजमेंट करो ये सब क्यों कर रहे हैं टू एनहैंस द क्वालिटी एंड टू अंडरस्टैंड दैट यस वी आर एक्रेडिटेड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बींग एन वंडरफुल ऑडियंस यू हैव बीन गिविंग लॉट ऑफ थम्स थम्सअप यू हैव बीन प्रेजिंग प्लीज यू कैन स्टिल राइट समथिंग इन चैट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन आई एम ओपन फॉर दैट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर फॉर वेरी नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव से सूबा तुम्हारा कहीं प्रश्न किसी को कुछ पूछना होगा तो आप प्लीज पूछिए वी हैव लास्ट थ्री टू फोर मिनट्स इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क सर हाउ टू मैम एक एक क्वेश्चन होता uh, 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 बहुत सर, दो दो चीज मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को जैसा मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट में भी बताया गए बराबर माध्यम मैं मेरा बता रहा हूँ मैं किसी का ऐसे उपदेश नहीं कर रहा हूँ मैं जब भी क्लास ले रहा हूँ आज तीस साल हो गए वर्गत गेला बरबर मी क्या कर तो पांच बच्चों की तारीफ कर देता हूँ गए बराबर मेरा तय है साठ सत्तर बच्चे भी रहना तो मैं जो पहले बेंच पे लड़का बैठेंगे वाह वाह तू यार पहले बेंच पे बैठा मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छा स्माइल आ जाता है चेहरे पे और तू दिखा तेरा इसका हैंडराइटिंग देखो बॉस ये देखो कॉपी दिखा देता हूं देखा क्या बढ़िया हैंडराइटिंग है और ये लड़की हमेशा फर्स्ट बेंच पे बट्टी ऐसे सिंसियर बच्चे रहना मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता है यार और तुम्हारी क्लास ना पूरी कॉलेज में कहीं भी जाओ ये क्लास में जब पढ़ाता हूं तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता है तुम बहुत ही एक्टिव हो मैं पांच कॉम्प्लीमेंट बड़ा बड़ आधे मिनट में दे देता हूं पूरे क्लास में स्माइल हैप्पीनेस ऐसा आ जाता है एक बार वो पहुंचे अरे क्या सर मस्त है देखो क्या हो गया मैंने अभी पढ़ाया नहीं पर उनको क्या लग रहा है सर बहुत बढ़िया है क्यों क्योंकि उनकी तारीफ कर दी बात क्या होती है अब वो पॉजिटिव इसमें अब उनके मन क्या बन गया है सर अच्छे हैं सर हमारा अच्छा चाहते हैं ये माइंडसेट फ्रेम क्रिएट होना पड़ता है यही एच ने मीटिंग करना पड़ता मैं नौ साल प्रिंसिपल था बत्तीस साल नौकरी किया मेरे को याद नहीं मैंने किसी को डांटा होगा आप मेरे कॉलेज में पूछ लीजिए आज परन्त को रागव लेला नहीं यू कैन और लोग मेरे को बोलते सर आप बहुत सॉफ्ट रहते हैं आप बहुत ही प्यार से काम लेते ऐसा नहीं सर डोके और बस्तील मास्तील अरे बोला यार जिंदगी कट गई मेरी प्यार में प्यार से ही काम हुए मेरे आत्तापर्त कमीत कमी मी चार नैक कमिटी हैंडल के ए प्लस ए प्लस और कितने एनबी एन बी तो मेरे को याद ही नहीं हर साल एन बी ए कमेटी आती रहती कितने ही लॉरल्स लाए कितने ही फंड लाए करोड़ों रुपए कॉलेज करता आए हजारों मीटिंग घेत लोगों को तीन तीन रात रात में बिठा के काम कराया पूरी रात स्माइल के साथ घर से डब्बा लेके आते और मेरे लिए भी लाते बात रिश्तों की होती है कहीं तरी गिवर मेरे केबिन में आप आइए आप सबको मैं बुला रहा हूं पक्का आइए फोन करके व्हाट्सएप करके केबिन में आओगे इतना फ्रेश लगेगा आल बरबर मी चॉकलेट्स अत्या कॉफी चाह बिठाता हूँ बच्चे भी आए तो बिठाता हूँ कल्चर सर अपने को घोड़े अपने हाथ पुढ़े दयावा तो बच्चे डरेंगे हैप्पीनेस कंपोनेंट इज अबाउट एप्रिसिएशन इज अबाउट एक्नॉलेजमेंट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट सेइंग गो अहेड इज अबाउट मोटिवेटिंग इज अबाउट इंस्पायरिंग यही काम है सर मेन अभी मेरे बताता मैं बता तो मैं अगर छे बजे तो साढ़े पांच पर्यत कॉलेज मज मी जो सहा वजेपर्यत कैबिन है ना कम से कम पच्चीस फैकल्टी ऐसी रहेंगी कि वो राह देखेंगे कि नानोटी सर गेवागता नहीं बर सर कुछ काम बता सकते अपने गरज है कि नानोटी सर ने कहीं काम संगाव क्योंकि दे फील हैप्पी दैट आई हैव सिलेक्टेड देम फॉर सम वर्क पॉजिटिविटी निर्माण है जो जाए तो संगता सर निगू का मेरे को पूछने की थोड़ी बात है तू कंप्यूटर का है मैथ्स की है, है और तू एडॉक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विचार तो बोले आपका कुछ काम पड़ा तो मैं हूं, सर ये कल्चर में कहा डाटू बताओ किसको डाटू जो मेरे लिए कुछ रुका हुआ है जो मेरे लिए रात भर बैठा हुआ है मैं इतना ट्रैवल करता हूँ बारह बारह अठारह अठारह दिन फॉरेन में रहता हूँ मेरा व्हाट्सएप पे मेरे एच ओडी क्लासेस ले रहे उसी में मेरे को रिपोर्ट सबमिट करे मेरा वाइस प्रिंसिपल पूरा देख लेता कल्चर सर कहता है तारीफ अप्रिशिएशन एंड एम्पावरमेंट प्रत्येक हिचत जमी घुस लो ना मधे एचुटी का इधर दिखा सार बनौला सेल्फ असेसमेंट मैं चेक करूंगा अनसडी सी दो गलती निकली भी तो उसको पॉइंट आउट कर देना देखो ये निगेटिव तुरंत निगेटिव बनते चलता है बस यार छोटे छोटे गोष्टी अत्या हैप्पीनेस पे मैंने बहुत लेक्चर्स लिया है और सक्सेसफुल वर्कलाइफ बैलेंस पे लेता हूँ लेक्चर्स लेक्चर्स मधे मैं बोलते है सगड़ जरूरत ही नहीं है डांटने की मैं बताता हूँ अगर कोई रावण ही निकला ना मेरे कॉलेज में न रावण है क्या लोग इसको उसको गाली देते रहते यार आ, मेरे को तो कोई खराब आदमी दिखता ही नहीं चश्मा खराब लावला तो सग खराब दिशती मेरे को तो सब अच्छे लोग हैं मैं पूछी आप, आपके कॉलेज में कौन हाँ एक आध निकला था मेरा एक या दो निकले कैसा सस्पेंड करूँ टर्मिनेट करूँ टाक इंक्वायरी लाऊ फ्री हो गया मैं उससे जब मेरे को ये समझ में आ गया कि ये मैनेजमेंट कॉलेज और बच्चों के लिए धोखा है ये मेरे लिए खराब एलिमेंट है मेरा कॉलेज खराब कर सकता लेवल गे ले बीस वर्षा दोगले और दोनों को बता रहा हूँ सस्पेंड किया टर्मिनेट करके कोर्टा यूनिवर्सिटी अप्रूव कर दिया बस पैतरिक्त नव्याण टे लोग प्रेमा है इट इज अबाउट दैट अगर आपको कोई गलती निकली ना सर तो उसको पूरा फाइनल फुल फाइनल इन्क्वायरी बिठा दो उसके फाइनल अगर वो कॉलेज को थ्रेट है बच्चों को थ्रेट है कॉलेज से नुकसान होना है मुलांसा नुकसान होना है वातावरण निर्मित खराब होते है ना उसको उठाओ इंक्वायरी लगाओ सस्पेंड करो टर्मिनेट करो खत्म करो वो चाहे एचओी रहे उसको नहीं सोचना फिर तो एलिमेंट आउट गल्या उड़ले नव्याण लोग इतके चांगले हैं कि उनसे प्यार से रहो दैट इज वॉट इज डिस्कस दिस सिद्धांत सर आंसर आई थिंक तू मना सैटिस्फाइड है सर यस चला yes, yes. यहाँ पे रुकते हैं यस यस आई नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर रूपा मैडम आर यू देयर यस मैम टू काइंडली प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स यस थैंक यू प्रीति मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू फॉर वोट ऑफ थैंक्स इट हैज बीन सच एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल सेशन on behalf of the hrdc department i would like to extend my heartfelt gratitude to dr Nanoti sir who shared the nac assessment accreditation process this has fundamentally changed and focus on outcome based teaching and also education 4.0 is uh, for lifelong learner and it should be tried to implement uh, sir, also explain about the uh, academic excellence, broad-based education, competency and capacity building, leadership and teamwork, international outlook, also vision and orientation, ethical standard and compassion, and uh, not but the least, uh, which is the most important part, that is uh, how to score marks in NAC criteria. And uh, he also uh, enlightened us to focus on research work through which a teacher uh, will be benefited. Uh, thank you, sir. Uh, thank you for your wonderful session. Thank you, ma'am. Yeah, Thank you. Thank you, thank you my thank best you.: to all of you. Thank, yeah, you all of thank you Thank you so much, sir. Thank you.: Thank you, thank you. I really <laughs> enjoyed it. Thank you: Thank you, friends. Abham you can proceed for your lunch break. Uh, we will meet at 1.30. Thank you.